जी मसीह में आप सब की सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज थोड़े से टेक्निकल मसाइल की वजह से हम जो है वो नहीं कर पाए अच्छी तरह से टाइम पे, जिसके लिए माजरा चाहते हैं। मसीह में आपको सलाम भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज भी आ रही है, शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर, आप आ गई। सर मुझे आवाज आना बंद हो गई थी, सॉरी। अब बैक स्टेज हो गई थी जी, आप जी फिर करें, शुरू करें। जी जी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से आई एम रियली सॉरी। सारे बहन भाइयों को सलाम जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सब सबको सलाम। आप लोग प्लीज कंफर्म कर दें कि मेरी और अलामा साहब की आवाज आप लोगों को आ रही है। प्लीज अगर कमेंट्स में आप लोग ये लिख सकें तो फिर हम अपनी स्ट्रीम का बाकायदगी से आगाज करेंगे। जी मैथ्यू नासिर साहब, अगर आप बता दें कि हम लोगों की आवाज़ आपको आ रही है, मेरी और अलामा साहब की। थैंक यू सुलेमान, थैंक यू मसीह की, थैंक यू सो मच। ओके, आज हम लोग अपनी जो स्ट्रीम है उसका आगाज कलाम से करेंगे और प्रे से, और फिर हम बाकायदगी से अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो मैं एक एक तलावत करना चाहती हूँ मरकज की अंजील में से। मरकज की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 6 से 9 आयात। लेकिन खलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। वेरी मच सिस्टर जी। जी सर, तो दुआ से आगाज करते हैं। जी करें दुआ। जी हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदा उनकी हजूरी में। कुदूस 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 खुदावंद, लश्करों के खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। तूने हमें ये मौका और ये घड़ी और ये प्लेटफॉर्म बख्शा है खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, एक एक जो यहाँ पे हाजिर है, एक एक को छू, एक एक को बरकत दे खुदावंदा। इस स्ट्रीम के लिए तुझसे जो है वो बरकतें मांग लेती हूँ खुदावंदा, जो इधर हाजिर हैं सबको खुदावंदा, हम सबको अल्फाज की तरतीब दे है खुदावंदा, अल्फाज का ज़खीरा दे है खुदावंदा, हिकमत और दानाई दे और सब्र दे, ताकि हम इस स्ट्रीम को आगे आगे चला सकें और तेरे नाम को फैला सकें है खुदावंदा। बशारत भाई उनकी फैमिली, इंजीनियर भाई उनकी फैमिली और जितने दीगर बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा, उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रख और हमें हिकमत का ख़जाना दे दे खुदावंदा, दलेरी दे, ताकि तेरे नाम को इसी तरह से हम बढ़ाए और आगे फैला सकें खुदावंदा। जितने जितने गैर कौमों के लोग जुड़ते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करती हूँ, उनके दिलों को नरम कर है खुदावंदा, उनके उनकी आंखों की चर्बी को पिघला, ताकि वो तेरे कलाम को और तेरे तेरी बातों को समझ सकें और उनके दिल में असर हो और वो तेरी तरफ रुजू लाए हैं खुदावंदा। इस स्ट्रीम को शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावंदा तेरी सुपरविजन में सोचती हूँ, तो सब चीज़ें खुदावंदा तेरे हुक्म के मुताबिक हों, ये सब मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के बारे में, जो कामरान माइकल ने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान सेनेट में रिगार्डिंग क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, उससे मुतालिक आज का हमारा टॉपिक है और आज की स्ट्रीम है। तो ओवर टू यू बशारत मुगल अलामा साहब, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सिस्टर। ये जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है पिछले साल से पड़ा हुआ था सेनेट में, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान में काफ़ी जो है मसाइल थे, और वहाँ पे जो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है वो पेंडिंग पड़ा था, मुसलमान भी इतराज़ कर रहे थे। असल में मुसलमान जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के या कौमी असम्बली के या सेनेट के, वो नहीं चाहते कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पे भी कानून साजी हो, असल में वो अपने लिए गुंजाइश रखना चाहते हैं। ये आप इस ये जो वीडियो है कामरान मैकल साहब की आप देखेंगे, उसमें जो है वो
बकायदा एक मौलाना साहब ने इतराज किया और तुरात का नाम लेकर इतराज किया कि जी ये बच्चियों की उम्र जो है ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, 18 साल नहीं रखनी चाहिए शादी के लिए। तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की उन्होंने मुखालफत की है बकायदा। तो कामरान माइकल ने और चेयरमैन सेनेट ने भी कहा कि भाई ये उनका कानून है, उनका पर्सनल लॉ, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान उलमा जो है वो अपने कवानीन तो अपने, वो हमारे कवानीन में भी मदाखलत करते हैं और इसके इसके पीछे एक पूरी बैकग्राउंड है। वो जैसे एक आपने तलावत सुनी इंजील के हवाले से, वो है, और एक पीछे इस्लामी पूरी जो है आइडियालॉजी है, इसके पीछे पूरी डॉक्ट्राइन है। तो आज मैं आपके सामने रखूंगा इस्लाम की जो है वो इसके बारे में, शादी के बारे में और उम्र के बारे में क्या कहती हैं हदीसें, क्या कहती हैं हजरत मोहम्मद की सुन्नत क्या है। तो इससे आपको समझ लगेगी कि ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की पाकिस्तान में मुखालफत क्यों होती है, जो तलाक डाइवोर्स एक्ट है क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट, उसकी मुखालफत क्यों होती है। ये आप 1872 में ये जो लागू हुआ था क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, तो आप जो है आप अंदाजा लगाएं इतने सालों से वो चल रहा था और उसमें जो उम्र है वो कम थी, जो लड़कियों की उम्र जो है वो 14 साल थी, जिसे क्रिश्चियन चाहते हैं कि 18 साल किया जाए कि भाई हम 14 साल की लड़की की शादी नहीं करेंगे, अपनी बेटी की बहन की शादी करनी होगी तो हम जब वो 18 साल की होगी बालग होगी तो उसकी शादी करेंगे। तो उस पर मुसलमान उलमा मुखालफत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और अगर एडमिन वो थोड़ी देर चला सकता है वीडियो, थोड़ा सा क्लिप चला सकता है तो जरूर चलाए। एडमिन साहब दिखा सकते हैं आप इनको? जी एडमिन साहब, इन द मीनवाइल मैं अपील करना चाहती हूँ, जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज आप लोग शेयर को शेयर करें स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसको लाइक भी कर दें प्लीज। जी सर जी, मैं कहता हूँ अगर एडमिन शेयर कर देते हैं तो फिर जो है ये मेरे लिए आसान होगा, ताकि मैं इनको दिखा सकूं। जी जी तो मेरे ख्याल में अच्छा, मैं इसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, एडमिन के लिए कुछ टेक्निकल मसाइल है तो मैं इसको शेयर करता हूँ। जी जी, आज शुरू से ही हम थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी माजरत, आज थोड़ी देर से भी बिल्कुल थोड़ी सी वो आपको सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जी सर, तो आप देखें ये आपको शेयर हो रही नजर आ रही? नहीं, अभी तो आपके लोगो ही नजर आ रहा है, अभी तक शेयर नहीं हुआ। हाँ, वो एडमिन इसको क्लिक करेगा तो शेयर होगा। एडमिन से दरखास्त है मेरी स्क्रीन शेयर कर दे। जी एडमिन, आपसे दरख्वास्त है आप प्लीज शेयर कर दें सर की स्क्रीन। जी इंजीनियर ब्रो थोड़ा सा बिजी हैं आज, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। जी सर, ऑर्डर नंबर 14, ऑनरेबल सेनेटर कामरान माइकल जी, प्लीज ऑर्डर नंबर 14 मूव करें। आपको आवाज आ रही है? मैं इससे पहले कि ये ऑर्डर जो बिल है जो मूव करूं, मैं कुछ कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी प्लीज। ये पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से रिलेटेड है, और इसमें हमने जो प्रपोज करने के बाद अप्रूवल के बाद उसमें 16 साल लड़की की एज है एट द टाइम ऑफ मैरिज और 18 साल लड़के की है। मैं ये गुजारिश करूंगा आपकी विसाजत से हाउस में कि जो हमारी ओरिजिनल शेप में हमने यहाँ पर अपना बिल रिड्यूस करवाया था वो 18 साल है दोनों, जिसमें तमाम हमारी डिनोमिनेशंस, तमाम चर्चेस की कंसेंसस मौजूद है। ये पर्सनल लॉ है, इसमें मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से लिया जाए जैसा कि हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं, चर्च हेड्स हैं, उन्होंने अल्लाह को फरमाया सलासुन
जो ऐसे मसाइल हैं ना ये कुरान हदीस के खिलाफ हैं। सब कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको देता हूं। जी मौलाना फैज मोहम्मद साहब प्लीज। ये जो ऐसे मसाइल हैं ना ये कुरान हदीस के खिलाफ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया सलासुन या अली ला तुअख्खिर हुन्ना, अली तीन चीजें हैं उनमें देर न करना, नमाज का टाइम, जनाजा और बच्ची जब बालिग हो। वो शरीयत ने बुलूगत पे रखा है और तौरात के अंदर ये है कि 14 साल से पहले बच्ची बालिग हुई उसको उसका निकाह कराओ। क्यों अभी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं 16 साल और 18 साल? अल्लाह से डरें। हाफिज मामा साहब, एक तो ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, ये उनका बिल है। जी आपने देखा किस तरह एक मौलवी साहब ने इस जो क्रिश्चियन एक्ट की मुखालफत की है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। जी तो ये चाहते हैं कि छोटे बच्चों को जो है वो निशाना बनाया जाए, छोटी बच्चियों के साथ शादियां की जाए। अच्छा भाई आप करते हो तो करो ना, मसीहों को क्यों मजबूर कर रहे हो, मसीहों पे क्यों पाबंदी लगा रहे हो, मसीहों के लिए क्यों ये आप लाजमी करार दे रहे हो कि जी लड़की जिस भी, असल में इसके पीछे एक पूरी बदनीयत ही है। ये चाहते हैं कि सिंध से अकलीती लड़कियों को अगवा किया जाए, ये चाहते हैं पंजाब से बहुत सारी लड़कियों के मसीह लड़कियों को अगवा किया गया, वो अंडर एज थी तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये बलूगत है और ये बालग हो चुकी है और उसके साथ जबरदस्ती निकाह करते हैं, उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं, जबरदस्ती शादी करते हैं। एक तरह से आप कह लो ये जनाब बिल जबर है जो अकलीती बच्चियों के साथ रवैया रखा गया है पाकिस्तान में, ये इंतहाई जुल्म हो रहा है और अगर ये जुल्म होगा तो फिर कैसे चलेगा। क्योंकि इनके तो सुन्नत में है जी बच्ची 6 साल की हो तब भी शादी हो सकती है, बच्ची झूले में हो तब भी शादी हो सकती है, बच्ची अभी पैदा ही हुई है तब भी उसका निकाह हो सकता है, उसका वली जो है उसका बाप जो है उसका निकाह किसी से कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये पाकिस्तान में मसीहों के क्या हालात है। बहुत सारे पादरी हैं, बहुत सारे जो है वो बुजुर्ग है जो कलीसिया के जो मेरी बात से एतराज करेंगे और कहेंगे कि जी पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बहती हैं, यहाँ तो अकलियतों को सारे हकूक हासिल है। आप एक छोटी सी बात देख लें, एक बिल मूव हुआ है, प्राइवेट बिल है, पर्सनल लॉज की बात हो रही है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की हो रही है और भी खड़ा हो गया मौलवी कह रहा है कि नहीं भाई ये क्यों कर रहे हो। तो 16 से 18 साल कर रहे हैं कि नहीं भाई, लेकिन उसे पता कि अगर ये होगा तो लोग कल कहेंगे कि भाई ये क्रिश्चियन बच्ची यहाँ 18 साल की शादी होती है तो मुसलमान बच्ची की कैसे होगी 6 साल। तो मौलवी की ये बर्दाश्त से बाहर है। तो ये मसीह बच्चियों के साथ जुल्म रवा रखना चाहते हैं, मसीह बच्चियों के साथ ज्यादती करना चाहते हैं, मसीह बच्चियों को अगवा करने का एक बहाना रखना चाहते हैं, मसीह बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए एक बहाना रखना चाहते हैं, हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने जो है वो हमेशा हर मुकाम पर मुखालफत की है, हमेशा जो है इस कानून की जो है, पाकिस्तान में कानून है क्या, पाकिस्तान का आइन क्या है भाई? आप जितना मर्जी इसको पूरा जितना इस्लामी बनाते जाओगे उतना ही ये जो है ना खौफनाक और दरिंदा सिफ्त बनता जाएगा ये कानून। आपको पता है कि आप देखें 4 लोग बुलाए गए उस खातून के लिए कि जी जिसने कुर्ता पहना हुआ था वो उस डिजाइनिंग वाला, 4 लोग बुलाए गए कि जी आप बताएं हमें कि ये तो कुरान की आयत है या नहीं। वो कहते कुरान की आयत तो नहीं है, ये मदरसे से बुलाए गए 4 आलम बुलाए गए, स्कॉलर्स बुलाए गए। उन्होंने कहा लेकिन क्या हम FIR करें? उन्होंने कहा FIR बनती है इस खातून पे क्योंकि हमें गलतफहमी हो गई है, हमें तो शक पड़ा है ना कि जी ये कुरान है। तो आप जो मर्जी कानून बना दें, मसला ये है कि मुसलमान जो उसके दिल में दिमाग में उसके तफहीम में इस्लाम समाया हुआ है उसका आप क्या करो, उसके लिए एक पूरी नस्ल चाहिए उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उन्हें मुसलमान से इंसान बनाया जा सके। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुर्बानियां देने की जरूरत है, इसके लिए जो है ना दुख उठाने पड़ेंगे।
जो जुल्म सिंध में हिंदू बच्चियों पर हो रहा है पूरे पाकिस्तान में वो मसीह बच्चियों पर भी हो रहा है। वजह उसके पीछे इस्लाम है, वजह उसके पीछे इस्लाम का नुमाइंदा है, वजह उसके पीछे इस्लाम के मानने वाले का ये कहना है कि जी ये सुन्नत में ऐसे है तो हम कैसे करने दें। ये बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि ये इस्लाम के नाम पे बना। आप दुनिया में चले जाएं कहीं पे भी इतना जुल्म नहीं होता जितना पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लाम के नाम पे हो रहा है। जहां का वजीर आजम से लेकर एक हवलदार तक, एक सिपाही तक जो है वो इस्लाम का ठेकेदार, वो मजहबी कार्ड खेलता है, वो मजहब का नाम इस्तेमाल करता है उस मजहब के नाम। वरना आप देखें किसी बस्ती को जलाना इतना आसान है, लोगों को जिंदा जला देना इतना आसान है इनके लिए, क्योंकि जो महाफिल है उनके दिलो दिमाग में भी इस्लाम छाया हुआ है। ये है असल बात, जजेस के दिलों में इस्लाम है, वो वकीलों के दिलों में इस्लाम है, किसी को इंसाफ ही नहीं मिलता। सिक्योरिटी गार्ड जो बड़ी पर्सनालिटी की, जिस तरह से वो सलमान तासीर को उनके गार्ड ने मार दिया। एग्जैक्टली तो ये जो है, और जब उसने मारा तो किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। क्यों? उसने कहा कि भाई तो आप लोग मेरे मुसलमान भाई हो, ये मुसलमान नहीं है गवर्नर सुलेमान तसीर। वो तो गाजी था। हाँ जी, और फिर उसके मौजजे मशहूर किए इन्होंने कि उसकी कब्र से हाथ निकला है, उसकी कब्र से तलवार निकली है, वो एम्बुलेंस जब वो मर गया था तो एम्बुलेंस में उठ के बैठ गया था। इतनी झूठ बोला फिर उन्होंने ये मौलवियों ने इस्लाम के नाम पे कि खुदा रहम करे कि ये कि इतनी झूठी कौम कैसे सरवाइव करेगी। आई थिंक उसका नाम मुमताज कादरी था, आई थिंक सो। जी जी वही मुमताज कादरी। लेकिन आप सोचे ना कि इसके पीछे क्या है। मुसलमान तो ये आगे पपट है ना, ये तो एक जो है कठपुतली है, नाच रहा है, इसके पीछे क्या है? मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ अगर हो पाई तो। एडमिन मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं रेफरेंसेस फिर कैसे शेयर करूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। जी जी हो गए जी? नहीं सर अभी नहीं। तो मेरी स्क्रीन शेयर कर दें जरा। जी अब कुछ हो, जी अब हो गई। ये देखें ये जो आपके सामने एक किताब का हवाला खुला, मुझसे काफी लोग भी पूछ रहे थे, मैंने एडम भाई के साथ भी शेयर किया था, और ये जरा तसल्ली से देखने वाला है, इसलिए जो है कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। मैं थोड़ा सा जूम और करें सर, थोड़ा सा जूम और करें ताकि क्लियरली और दिखे, थोड़ा सा बड़ा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अच्छा चलें ठीक है, सही है, ओके सर। ये वो मेरी स्क्रीन से आउट हो गया। ओके सर, जी जी ठीक है। ये देखें अलबदाया वन निहाया जिल्द पंजम सफा नंबर 394, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो औलाद के बारे में, ये हजरत मोहम्मद की बीवियों के बारे में बता रहा है। तो ये वो फहरिस्त दे रहा है बीवियों, कहता है कि इस अमर में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से तशरीफ ले गए, तो 9 बीवियां छोड़कर फोत हुए। तो हाफिज कबीर अबू बकर बैक की अल्लाह रहमा फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद ने 15 औरतों से निकाह किया था और उनमें से 13 को घर लाए थे, अपनी 13 बीवियों को,
और 11 आपके पास इकट्ठी रहती थी, यानी एक वक्त में आपके पास 11 बीवियां थी। और जब आप फोत हुए तो 9 बीवियां जो है बेवा थी उसमें। तो 13 को घर लाए थे, 15 के साथ निकाह हुआ था, 2 को घर नहीं लेके आए। आप वो अगर पढ़ें तो ये बताती है, रवायत बताती है कि उनमें एक खातून का नाम उमरा था, उसे आपने खलवत की, उसको लैदा कमरे में बुलाया, उसका लिबास उतारा तो उसके जिस्म पे बर्स के निशान देखे, जिसको कोड भी कहते हैं ना सिस्टर ग्लोरी, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, लेप्रसी। तो हजरत मोहम्मद लेप्रसी से बहुत डरते थे। एक कोड़ी आया था उनके पास, तो उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उन्हें पता चला, वो अभी शहर के बाहर ही था, आपने पैगाम भेजा कि इधर मत आना, बस तू मुसलमान है, तू मैंने तुझे मुसलमान कर लिया, लेकिन मेरे पास आने की कोशिश मत कर। मैंने एक दफा कहा भी था कि 2 कोड़ी के नाम से हमने स्ट्रीम भी की थी, कि एक कोड़ी हजरत मोहम्मद के पास आया था जिसे आपने भगा दिया था खौफ के मारे, कोड़ से डर कर। तो आपका ये मौकफ है, आपका आपकी ये हदीस है कि जी कोड़ी को देखो तो उससे ऐसे भागो जैसे बब्बर शेर को देख के भागते। वेरी नाइस। लेकिन जब मौला मसीह के पास कोड़ी आया था तो वो शिफा पा के गया था, मौला मसीह ने उसको पकड़ा था, उसको छुआ था और उसको शिफा बख्शी थी। बेशक। तो जब इस औरत को, औरत पे उन्होंने निशान देखा ना, बर्स का निशान देखा, तो आपने उसे हक में दिया, पैसे दिए और कपड़े वापस किए कि भाई तू जो है ना हजरत मोहम्मद पीछे हट। यानी कि सुहाग रात वाले दिन हजरत मोहम्मद ने एक औरत के कपड़े उतारे और वहां से डर के पीछे हो। ये लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, यहाँ लिखा कि उसका लिबास आपने उतारा। जी, लेकिन जी, जब उसका निशान देखा तो आप डर गए और उसे जो है ना वो हक मेर दे दिया और उसे वापस भेज दिया, और वो लोगों के लिए हराम हो गई। जाहिर है उसको नबी पाक ने अपने निकाह में लिया था, उसका हक मेर दिया था। अब अगर कोई जो है उसके साथ शादी करे तो वो हराम है, वो अब सारी जिंदगी जो है वो शादी को तरसेगी। कितना एहसान किया उस औरत पे हजरत मोहम्मद। लेकिन जो ये इसलिए ये 13वीं 14वीं औरत जो है ना हजरत मोहम्मद के पास नहीं रह सकी। फिर जो 15वीं औरत थी अशबा, तो वो आपके पास अभी आने के लिए तैयार नहीं थी, उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मैं। तो आपने उसको वक्त दे दिया कि अच्छा ठीक है तैयार हो जाओ, तुम जब तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊँ। तो उसी दौरान मारिया कुप्तिया का जो बेटा था इब्राहिम वो फोत हो गया। तो जो अशंबा थी वो कहने लगी कि अगर आप नबी होते तो आपका बेटा ना मरता, तो मैं तो आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं तो नहीं आपके पास आऊंगी। तो फिर आपने उसे तलाक दे दी और उसका हक मेर भी दे दिया और वो भी दूसरों पे आराम हो। ये तो खैर इस औरत का अपना फैसला था कि हजरत मोहम्मद के पास जाने से बेहतर है कि मैं वैसे ही मर जाऊं, कुवारी मर जाऊं, मैं इनके पास ना जाऊं। बड़ा ही अच्छा डिसीजन था वैसे। तो बाकी जो बीवियां उनके नाम तो आपको पता ही है, हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जैनब बिनते जाश, जैनब बिनते खजैमा, जवेरिया, सफिया, मैमोना, उम्मे श्री, ये 9 बीवियां जो है बेवा हुई। तो 11 बीवियों के पास तो वो चक्कर लगाते थे, आप अंदाजा लगा ले इस बात से। और बुखारी और मुस्लिम बताती हैं कि जो हजरत आयशा के साथ जब आपकी शादी हुई, निकाह हुआ हजरत आयशा के साथ, वो 6 साल की थी, और जब हजरत आयशा के साथ उन्होंने हम बिस्तरी फरमाई तो हजरत आयशा 9 साल की थी।
अब बताए ना कि मौलवी क्या करे वहां, ठीक है, मौलवी किधर जाए। मौलवी तो क्लियरली कह रहा है ना स्टेटमेंट में कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है जो 18 साल का जो एक्ट मैरिज एक्ट है। जी तो ये असल, ये देख कुछ औरतें ऐसी भी थी जिनके साथ आपकी शादी नहीं हो सकी, आपने उनको पैगाम दिया या लेकिन निकाह नहीं हो सका, करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सका। जहन्नुमी है वो औरतें। एक तो खुद उनकी कजन थी, हजरत अली की बहन थी उम्मे हानी, उसको आप बचपन से पसंद करते थे। और उस वो जब वो बेवा हो गई थी या उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था तो तब भी वो उसके साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन उसने इनकार कर दिया। पहली दफा जब हजरत मोहम्मद ने उसका रिश्ता मांगा अपने चचा से तो उसके चचा ने इनकार कर दिया। फतह मक्का के बाद हजरत मोहम्मद दोबारा चाहते थे कि उससे शादी करें, लेकिन वो उसने जो है कहा कि मैं नहीं कर सकती आपके साथ शादी। तो हजरत मोहम्मद की शादियों का इशू ये जी। तो अब देखे उनकी, जब हजरत मोहम्मद फौत हुए तो उनकी लौंडियां कितनी थी जी। अच्छा भाई, लॉन्डी पे जाने से पहले सॉरी, एक कमेंट में हमीद भाई लिख रहे हैं कि एक स्ट्रीम में उन्होंने 28 बीवियों का जिक्र पढ़ा है या सुना है, तो जरूर होगा क्योंकि किताबें इनकी कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है ना, और इसमें तो कोई हैरत नहीं है कि 28 क्या 100 भी निकल आ सकती है कहीं पे लिखी हुई जो उनका। असल में बाज मुसलमान जो है ना जिनको इन्होंने पैगाम भेजा है ना शादी के लिए मिसाल के तौर पे कि मुझसे शादी कर लो, तो मुसलमान उनको, बाद मुसलमान उनको कंसीडर करते हैं बीवी, कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो बस फिर वो बीवी है। जिन पे आंख पड़ गई तो वो बस ओके। सॉरी सर, बात करें, आप समझ रही है ना मेरी बात। जी जी जी, जिन पे आंख भी उनकी पड़ गई है बस वो भी बुकिंग हो गई है, वो इधर उधर नहीं जा सकती यानी जी। तो ये सबसे पहले मारिया कुप्तिया थी आपकी लौंडी। आप देखे जब हजरत मोहम्मद फौत हुए तो उनकी लौंडियां कितनी, नंबर आप गिनती जाइए जरा, मारिया कुप्तिया एक जी, तो दूसरी बनी नजीर की रियाना बिनत जैद दो, इतने इतने उनके बारे में वाकयात जो है वो लिखे हुए। तो मारिया कुप्तिया जी जो थी उनकी उनकी जो है ना बहन भी आपकी लौंडी थी, वो आपने किसी को गिफ्ट कर दी थी। दो बहनें थी, मारिया कुप्तिया और शीरी, वो आपने दूसरी गिफ्ट कर दी थी। अच्छा जी, ये गुलामों की तादाद आ गई और मैं आपको लौंडियों की तादाद उनकी गिनवाता हूँ जी। कोई लिख रहे हैं सौदा, नहीं पोलर भाई, जो सौदा है ना वो वाइफ थी, वो बीवी थी, वो लौंडी नहीं थी, वाइफ थी वो, लेकिन वो बूढ़ी थी और नापसंद थी बहुत ज्यादा उनको जी। जी ये देखे मारिया कुप्तिया का, और मैंने वो नाम लिया लेकिन तरतीब से लिस्ट इस तरह से, उम्मतुल्ला बिनत रजीना, दूसरी लौंडी जो है हजरत अमीमा दो, तीसरी लौंडी हजरत बरकत उम्मे अमन, और जो है फिर उनकी चौथी लौंडी हजरत खिजरा, पांचवी हजरत खलीसा, और छठी लौंडी हजरत खोला, सातवीं लौंडी हजरत रजीना जिसका मैंने पहले जिक्र किया था जी, आठवीं लौंडी हजरत रिजवा,
लोंडी हजरत रिहाना बिनते शमाऊ, ये वो मारिया की बहन थी। दसवीं लोंडी हजरत सानिया। ग्यारहवीं लोंडी जो है हजरत सिद्दलिया। बारहवीं लोंडी हजरत सलामा। तेरहवीं लोंडी हजरत सलमा। चौदहवीं लोंडी हजरत शीरी। पंद्रहवीं लोंडी हजरत अनकुदा उम्मे मली। और सत्रहवीं लोंडी जो है हजरत लैला। अठारहवीं लोंडी हजरत मारिया कुप्तिया। उन्नीसवीं हजरत मेमोना। बीसवीं हजरत मेमोना बिनते अबी असीबा। और इक्कीसवीं हजरत उम्मे अयाश। ये 21 लोंडियां थी हजरत मोहम्मद। उम्मे अयाश, ये सही नाम है। 21 लोंडियां, हाँ जी, 21 लोंडियां थी हजरत मोहम्मद की। और जो है वो क्या कहते हैं, 15 बीवियां थी। हाजर सर्विस 11 थी, 9 को छोड़ के फोत हुए। और वो मशहूर आपने देखी होगी ना जी, अभी वो उम्मे हबीबा से भी शादी करना चाहते थे जी। हजरत मोहम्मद चाहते थे कि उम्मे हबीबा से शादी कर ले। याद आई आपको उम्मे हबीबा? ये वो बच्ची जिसके बारे में वो जो पालने में थी। यस। दो साल की बच्ची। दो साल की बच्ची, उसकी तो किस्मत अच्छी थी, अगले साल मर गए। तो अगर दो साल की बच्ची के साथ वो शादी करना उनका जायज हो सकता है? वो तो आप जिंदा नहीं ना रहे, अल्लाह ने आपको उठा लिया हजरत मोहम्मद को, वरना वो तो बेचारी गई थी। वो तो गई थी, हबीबा तो गई। सर कुछ गुलामों का भी जिक्र है ना, कुछ 38 या 40 कुछ गुलाम भी थे उनके। हाँ वो जिक्र तो है गुलामों का, लेकिन वो आज चूंकि हमारे टॉपिक के साथ नहीं है ना गुलामों का। नहीं पर वो उनसे भी कुछ काम लेते थे गुलामों से। जाहिर है गुलाम तो काम के लिए थे ना। नहीं वो कुछ खवातीन जैसा इस किस्म का कुछ काम लेते थे उनसे भी, यानी कुछ मुबाशरत करते थे उनसे भी गुलामों से। मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, मैं भी क्यूरियस थी इसलिए पूछा था मैंने जी। हाँ लेकिन आपके गुलाम मौजूद थे और 38 गुलाम, यानी एक बंदा कहता है कि जी मैं दुनिया में मोहब्बत करने आया हूँ, मैं दुनिया में अमन रहमत सलामती लेकर आया हूँ, मैं तो मसावात की बात करता हूँ, तो 38 गुलाम क्या कर रहे हैं आपके? क्यों किस लोनिया क्या कर रही है आपके पास? बिल्कुल। और वो तो तादाद छोड़ दें, जो हिब्बा औरतें करती थी अपने आप को गिफ्ट करती थी, उसके बारे में तो एक पूरी स्ट्रीम हमारी पड़ी हुई है। हाँ जी। जिसमें ख्वातीन आके अपने आप को गिफ्ट कर देती थी जी। या ये भी कहा जा सकता है बशारत भाई के जिस पे ये उंगली रख देते थे कि बस ये मुझे चाहिए, तो वो फिर मजबूरन भी उसको आना पड़ता था क्या? एक तो मजहबी था ना प्रेशर लोगों पे जी। ये स्क्रीन शेयर कर दें जरा, मैं उम्मे हबीबा वाली शेयर कर दूं। एडमिन अगर मेरे पास सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं एडमिन साहब, थोड़ा सा शेयर कर दें स्क्रीन प्लीज। ये मेरी स्क्रीन शेयर कर दें, ये देखें। तो हजरत मोहम्मद ने एक दो साल की बच्ची के साथ भी शादी करना चाहते थे, तो क्रिश तो 14 साल की या 16 साल की तो बहुत बड़ी बात है ना। दो साल माशाल्लाह माशाल्लाह है, आप अंदाजा लगाए जी। नहीं किसी को भी बहन तो नहीं बनाया, कोई कह रहे हैं बहन बनाया हो किसी को जी। ये हदीस मैंने आपके सामने रखी है, जहाँ दो साल की बच्ची पे भी नजर रखी जा सके, जहाँ 9 साल की बच्ची के साथ जो है मिस्त्री की जा सकती हो, वो कैसे कह सकते हैं कि जी आप जो है 18 साल मुकर्रर कर ले?
वो कहते हैं इस तरह इस्लाम बदनाम होता है, कुरान और हदीस के खिलाफ बात, यही एग्जैक्ट बात की है ना मौलवी साहब ने। बिल्कुल तो भाई ये बात जो है कुरान और हदीस के खिलाफ है। मारिया कुप के साथ जो है ना एक और जो गुलाम था मायोर, लमा ने लिखा है कि जी वो फिजिकली जो है ना वो मर्द नहीं था, तो वो मिस्र में बल्कि यहाँ पे जो जो इन्होंने किताब में लफ्ज लिखा वो तो उसके लिए खसी लिखा है ना, जैसे हम ना मर्द लिखा है उसने, यानी कि मर्द तो था लेकिन उसे वो बना दिया गया था। जैसे मुगल बादशाह करते थे मर्दों को रखते थे अपने जनान खाने में, इनकी तीन तीन चार चार सौ बीवियां होती थी, फिर जो है ना इन्हें ये भी खतरा होता था कोई बीवी बेवफाई ना करे, तो ऐसा करते थे कि ये ऐसे मर्दों को वहां पे खिदमत में रखते थे अपनी बीवियों के लिए, उनकी मालिश के लिए, उनकी कंघी के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, जिनको जबरदस्ती जो है ना मर्द बनाया जाता था। अच्छा, जैसे आज के जमाने में कुत्ते बिल्लियों को बनाया जाता है, ऐसे उस जमाने में मर्दों को। जी मर्दों, तो ये मर्द भी इस तरह बनाया गया था ताकि वो मारिया के पास और जो है दूसरी उसकी जो बहन थी रियाना बिनते शमून उसके पास वो आसानी से आ जाए। और मारिया कुप्तिया के बारे में लिखा है कि जी वो बहुत खूबसूरत थी, गोरी चिट्ठी थी, तो उसके लिए वो हजरत मोहम्मद को बहुत पसंद थी और उनका जो है ना उनके नजदीक बड़ा रुतबा था। मारिया की वजह से तो उन्होंने अल्लाह के जो है वो हराम को हलाल को हराम कर दिया। जी नहीं, वो हफ्सा की वजह से किया था, मारिया उसकी वजह थी, मारिया उसकी वजह थी, मारिया की वजह से नहीं किया। ओके, हाँ बिल्कुल सही। आप कह लेंगे मारिया के इश्क में वो फंस गए थे, इश्क में। हाँ, मेरा यही मकसद था कहने का कि रीजन तो मारिया ही थी ना। जी जी, रीजन मारिया थी। जी तो आप देखें कि जिस मजहब में ऐसी बातें, अच्छा मैं आपको मायोर का बता रहा था, तो वो ऐसा बंदा था कि जो मर्द नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे कि इब्राहिम जो है वो मायोर का बेटा, वो जो गुलाम था उस पे इल्जाम लग गया, लेकिन फिर जो है वो सब लोगों को दिखाया गया कि भाई ये मर्द नहीं है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके जो है तो हजरत मोहम्मद की शदीद ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा हो और उनकी नस्ल आगे चले, और कुरान में वो आयत भी लाए थे कि तुम्हारे दुश्मन की औलाद नहीं चलेगी लेकिन तुम्हारी ये चलेगी, लेकिन जो है बदकिस्मती से फिर जो है ना उनका ये जो है ना दावा पूरा नहीं हो सका। तो असल बात ये जो मुखालफत हो रही है ना पाकिस्तान में, उसके पीछे इस्लाम है। बिल्कुल, उसके पीछे हजरत मोहम्मद की सुन्नत है, उसके पीछे जो है ना हजरत मोहम्मद की पूरी जिंदगी। मतलब एक नबी को क्या जरूरत है जी इतनी लौंडियां रखने की, इतनी बीवियां रखने की, इतने गुलाम रखने की। भाई आप तो दरवेश है ना, आप कहते हैं, बल्कि एक हम सलाम पढ़ा करते थे जुम्मे वाले दिन, जो जुम्मे की नमाज के बाद के कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गजा, सुभान अल्लाह, उनके लिए के, कहते हैं कि जी उनके पास तो सारी दुनिया थी, पूरी दुनिया के मालिक थे, लेकिन फिर भी क्या जो की रोटी खाते थे, यानी कि इतने सादा फितरत थे। भाई ये सेक्स के मामले में उनके साथ क्या हो जाता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, माशाल्लाह। हम पढ़ते थे ना जुम्मे की अज़ान के, मुस्तफा शाने रहमत पे लाखों सलाम,
पढ़ते थे बिल्कुल। तो मिलके पढ़ते थे स्पीकर में, फिर पूरे मेरा में वो फिर। लाखों सलाम। ये सलाम जो है ना, वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने लिखा था, जो अब जो है ना पूरे इंडिया पाकिस्तान में मशहूर हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि दावा आपका ये है और लेकिन जब आपकी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पे एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है माजरत के साथ बशारत भाई, ऐसे लगता है कि जैसे कोई खून ख्वार दरिंदा जो हर वक्त बस फाड़ने की गर्ज से फिरता है ऐसे गलियों में चौराहों पे। उस मामले में तो वो वैसे ही थे, उनकी आंख में शर्म हया ही नहीं थी। अब देखें आपने ये सामने एक इबारत ये आयत लगाई है या जो भी ये वाकया है, इसमें वो क्लियरली शर्म भी नहीं आती। इमामों ने भी एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया है और उनको ये आइडिया नहीं है कि क्या उनकी सीरत यहाँ से शो हो रही है। अगर इमामों वो लिखना जो हजरत मोहम्मद की सुन्नत है, ये तो आजकल जो है ना जो हुआ माशरों ने तरक्की की है, अब मुसलमान शर्मिंदा होता है इन बातों से, लेकिन वो जो है ना वो तो शर्मिंदा नहीं थे, वो तो इसको सुनना समझते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आपका माइक म्यूट हो गया था। जी ये मामला था। तो भाई ये जो मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तान में, अब देखे ना मैं तो अप्रिशिएट करूं सेनेटर कामरान माइकल को कि उन्होंने जबरदस्त काम किया है और सारी कलीसिया के लिए जो है ना वो शाबाशी बनती है उनकी हौसला अफजाई के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जबरदस्त काम किया आपने, ये कदम उठाया और आपने इस अक्सरियत को बताने की कोशिश की है भाई तुम जो मर्जी कहते रहो, मसीहों के जो अकायद है, मसीहों का जो ख्वातीन के बारे में रवैया है वो कैसा है। असल में ये मौला तलीम थी ना, इन्हें तो बहुत पहले ही कर लिया था, मजबूरी थी, क्रिश्चियन के पास तो पावर नहीं है ना, वो कर नहीं सकते, कानून साजी नहीं कर सकते। ये 1872 का अंग्रेज ने डाला हुआ ना कानून जी, वो क्या कर सकते है, मसीह क्या कर सकते है। लेकिन देखे मौला मसीह की तालीम क्या है, एक बीवी एक शोर दोनों एक बदन एक जान एक मतलब एक रूह, ये है मसीह। बेशक बेशक मसीहत में बीवी को मार नहीं सकते, उसको बराबरी का दर्जा है, उसको बराबर के हकूक हासिल है, उसको आप खड़े खड़े तलाक नहीं दे सकते, खड़े खड़े उस पर सोतन नहीं ला सकते, वो आपकी रूह का हिस्सा है, आपके बदन का हिस्सा, वो कोई टिश्यू पेपर नहीं है कि आपने उसे इस्तेमाल किया और तलाक दी और फारग कर दी। बिल्कुल। तो ये है असल में वो कामरान माइकल जो है मौला मसीह की नुमाइंदगी कर रहा था सेनेट में, और जो मौलाना साहब थे वो हजरत मोहम्मद की नुमाइंदगी कर रहे थे सेनेट में। जी ऐसा ही है। आप दोनों की बैकग्राउंड चेक करें ना कि वो 18 क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके पीछे मसीह है। मैं ये नहीं कह रहा कि कामरान माइकल कोई आसमान से उतरा फरिश्ता है, लेकिन आप देखें ना वो क्यों कोशिश कर रहा है, क्यों जद्दोजहद कर रहा है, पीछे उसके बाइबल है ना जी। उसके पीछे कलीसिया खड़ी, सारे चर्चेस ने उसको मैंडेट दिए
भाई सबने साइन किए हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये तब्दीली होनी चाहिए। और शुक्र है वो चेयरमैन सेनेट को ये बात समझ आ गई है और वो बिल पास हुआ है। और दूसरी तरफ रुकावट डालने वाला था, उसके पीछे भी कोई है, उसकी भी पूरी तलीमो तरबियत है, पीछे सुन्नत है, पीछे पूरी डॉक्ट्रिन है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। इसके पीछे जो है वो सारे सियाको सबाक को जानने की जरूरत है कि जी ये आखिर ये मुखालफत उन्होंने की। इस मुखालफत के पीछे वो ये नहीं है कि उन्हें कामरान माइकल पसंद नहीं है या हम पसंद नहीं है, भाई है कि पीछे अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, पीछे अल्लाह अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की तालीम है। वो तालीम जो है वो उसको मुखालफत पे मजबूर करती है। जी सर, मुझे आपने पढ़ी, मेरे साथ हमदर्दी की, मेरे साथ उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियोस देखी है और जो है वो मैं आप जो है आपने इस्लाम को छोड़ दिया, उन्होंने मैं रियली उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे वो वाहिद मुसलमान खातून मिली है जिन्हें मैं हैरान हूँ कि वो भी दुनिया में। वो कहती है कोई बात नहीं, आपने मसीहत को कबूल किया तो इट्स ओके। खैर मैंने कहा ये बात मुसलमानों को कौन बता रहा? कहती है हमारे यहाँ जबर नहीं है। तो उनकी मेरे साथ हमदर्दी, उनके मेरे बारे में कंसर्न, उनकी मुझसे बात करना, मेरी उन्होंने गवाही सुनी और फिर मुझे कॉल की, मेरे साथ रابطہ किया, तो अच्छी बात है। लेकिन क्या इस्लाम ये है? मैं समझता हूँ वो इस्लाम में नहीं खड़ी, 50% इस्लाम से बाहर खड़ी है। जी, क्योंकि जो हकीकी इस्लाम है वो तो आपके लिए किसी वबाल से कम नहीं है, किसी अगर किसी को दुनिया में खतरा है तो वो सिर्फ इस्लाम से, ना आपको हिंदू से खतरा है, ना सिख से खतरा है, ना किसी क्रिश्चियन से खतरा है, ना यहूदी से खतरा है, क्योंकि आप मुसलमान को समझा ही नहीं सकते। और अगर एक मुसलमान को समझाएंगे ना और उसे आप कायल कर लेंगे कि ये दहशतगर्दी नहीं करनी चाहिए, ये सख्त रवैया ठीक नहीं है, इंसानियत की तरफ आओ, तो दूसरा मुसलमान उसके सामने इस्लाम पेश कर देगा कि भाई इस्लाम के मुताबिक तुम काफरों का साथी नहीं हो सकता। मतलब कि आपको इन किताबों में से इतना मटेरियल है कि आप एक बंदे को इतना जकड़ा हुआ है, इतना ऑक्टोपस है वो, कि वो उसने आपको हर तरफ से जकड़ा हुआ, टांगे पकड़ी, आपके हाथ पकड़े, आपकी जबान पकड़ी, कान पकड़ा, आप निकल ही नहीं सकते, खींच के भी आपको तो आप नहीं निकल सकते। ये देख रहे हमास ने हमला किया इसराइल पे, हिजबुल्ला भी आ गई मैदान में, होसी बागी जो है वो यमन वाले वो भी आ गए मैदान में, क्यों? इनका तो आपस में कोई तल्लुक नहीं है, ये सुन्नी शिया है ना, एक दूसरे को काफर कहते हैं, लेकिन शरारत, फितना और जिहाद, क्या लो किसी किस्म का भी जिहाद, उसमें ये एक हो गए, बाद में ये आपस में लड़ेंगे। जैसे सऊदी अरब मार रहा था यमन को, यमन वाले हमले कर रहे थे सऊदी अरब में सुनीशिया होने की वजह से, ये करेंगे, लेकिन इनकी हड्डी में चैन नहीं। आज आप पाबंदियां उठा लो, ये जालमाना कवानीन पीछे कर दो, तो देखे पाकिस्तानी बेचारे किस तरह भागते हैं इस्लाम को छोड़।
लेकिन आपने तलवार लटकाई हुई है कि अगर देखा ना मेरे साथ कोई जितना भी प्यार करे, जितना भी मुझे वो मेरे लिए नेक ख्वाहिशात रखे, भाई मैं मुर्तद हूँ। ठीक है, मुर्तद की सजा क्या है? कत्ल है सर, तन से जुदा। दूसरी अब ये मामला हो गया कि जो मुर्तद होता है वो साथ तो रिसालत का भी मुर्तकिब है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी हुई है, वो भी कानून लागू हो जाता है उस बंदे। उसने इनकार किया है ना उनका, मुझे कौन बचा सकता? मुसलमान जितनी मर्जी कहेंगे ना जी आपकी मर्जी है, आप क्रिश्चियन हो जाए चाहे मुसलमान हो जाए चाहे हिंदू हो जाए कुछ भी हो जाए, हम तो इस्लाम में तो जबर नहीं है, प्यार का था भाई, आप मुझे जीने का हक ही नहीं देते। मैंने इस्लाम छोड़ दिया, एक मिसाल है, तो आप कैसे कैसे प्रोपोगंडा करते हो, कैसे कैसे लड़ाइयां डालते हो, कैसी कैसी कत्लो गारत करते हो, वजह क्या है इसकी? वैशी पान है ना। भाई अगर आपका इस्लाम सच्चा तो आप घबराते क्यों? फेस करो ना, हमारे सवालों के जवाब दो। तो एक बार फिर मैं सेनेटर कामरान माइकल साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी दिखाई है, बड़ी जुरत का मुजाहरा किया और जो है ये बिल जो है वो सेनेट से पास हुआ। देखिए आगे होना हुआ ना तो वो अलग बात है ना कि आगे क्या होती है, कानून साजी आगे कहाँ तक बढ़ती है, कहाँ तक पहुंचती है, वो अलग इशू है, लेकिन एक आवाज उठाना और उसको लोगों के सामने रखना। एक बंदे ने मुझे कहा कि जी जो एक्स मुस्लिम है वो गालियां देते, भाई कोई एक्स मुस्लिम गालियां नहीं देता, जब आपको आप इस्लाम की खातर उसकी मां बहने कर दोगे तो वो तो फिर भी आपको गाली नहीं देता। एडम क्या कहता है? यही कहता है ना कि मैं आपके बानी इस्लाम के बारे में बात करूंगा, उसकी सुन्नत बताऊंगा। तो भाई तोहीन तो आप खुद करवाते हो ना। फिर अगर इस्लाम में जबर नहीं है, एडम अगर हो गया इस्लाम को छोड़ गया तो आपको क्या इशू है? साहिल भाई इस्लाम को छोड़ गए तो आपको क्या इशू है? बिशारत मुगल इस्लाम को छोड़ गया तो चुप कर जाओ, तुम लोगों को तकलीफ क्या है? जब तुम हमारी माओ बहनों को गालियां दोगे, हमारी बेटियों को गालियां दोगे, सैयदा मरियम को गालियां दोगे, है ना, तो फिर कोई को बोलेगा ना हजरत मोहम्मद के बारे में, तो इस तोहीन के जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है ना। मैंने एक बंदे को बार बार कहा कि भाई आपने मेरे साथ इल्मी बहस करनी है, इल्मी गुफ्तगु करनी है या जातियात पे बात करनी है? जी मैं जातियात पे बात नहीं करूंगा, मैं हजरत मोहम्मद की सुन्नत बताऊंगा, फिर इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। लेकिन वो मुसलमान ही क्या जिसे एक बार समझ आ जाए? पूरी दुनिया में जो कुरान की तोहिन होती है मुसलमान, ये जो कहते हैं कि जी इस्लामोफोबिया है, भाई वो इस्लामोफोबिया नहीं है, आपने खुद करवाया है वो। बिल्कुल, आप देखो ना, मेरी एक किताब छपी, एक किताब थी सिस्टर जी, उसका नाम था सैयदना पौलुस अलैहि सलाम। इन्होंने मुझे वो गालियां दी। मैंने कहा देखो, कभी गालियां देते पौलुस को, गालियां देते सैयदना पौलुस को, इन्होंने गालियां दी, मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी, है ना, मेरी बहनों को गालियां दी। मैंने तो इल्मी मौकफ दिया था ना कि आप हजरत पौलुस को बुरा ना कहें, क्योंकि वो इस्लाम का भी नबी है, इस्लाम का भी रसूल है, इस्लामी किताबों में लिखा हुआ। मैंने वो पेश किया, ठीक है ना, तो इनको चाहिए था कि इल्मी जवाब देते ना। बिल्कुल, तो, हाँ, तो जब ये इस तरह की हरकतों पे उतर आए
तो बताए ना फिर इनका हम क्या कर सकते हैं, इनका इलाज क्या कर सकते हैं, हमारे पास इलाज है क्या? अच्छा बशारत भाई, मैं बड़ी हैरान हूँ अभी जो स्ट्रीम अभी चल रही है और अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनमें से एक मसीही भाई है, आई थिंक उनको भी मुसलमानों का असर है। मैं बड़ी हैरान हूँ क्योंकि मुझे आज तक किसी मसीही बहन भाई ने कभी जाती ताना या टीज नहीं किया। तो उनका कमेंट है कि पुरानी यादें सता तो नहीं रही, जब मैं मोहम्मद के कैरेक्टर पे बात कर रही थी। मैं बड़ी हैरान हूँ और मैं उस वहीं पे अटक गई हूँ, ये तकरीबन कोई 10 मिनट पहले उनका ये मैसेज आया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे मसीही बहन भाई भी ऐसे ही अपनी मसीही बहनों को अगर पर्सनल कमेंट करेंगे या टीज करेंगे तो हम मुसलमानों से क्या जो है ये वो बेशरम है। एडम भाई कहता है ये बेशरम और बेगैरत है। क्या हम तवक्को कर सकते हैं, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ। चलें कोई बात नहीं, खुदा उनको बरकत दे, उनको अकल दे कि कोई बात नहीं। ये हमीद साहब हैं, एडवांस जरा जब मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए। हमीद बरकत है इनका नाम, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ उनके रवैये से। ये देखें आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही है। ये देखें जी सैयदना पौलुस, पौलुस अलैहिस्सलाम, ये मैंने लिखी थी किताब। जी जी तो ये देखें, दो 2017 में, ठीक है जी, उनकी मैंने पूरा तारफ करवाया और जो है ना बाइबल कुरान और हदीसों से तफसीरों से लेके वो सारी जो है ना उनकी जो है वो उनको बताने की कोशिश की। तो मैंने कहा जिनको आप लोग गालियां देते हो वो तो अल्लाह का रसूल है। ये देखें जैसे ये सफा नंबर 20 पे, उस पे वो लिखा हुआ है कि इमाम इब्ने कसीर ने ये रवायत पेश की है, काला इब्ने जरीज अन वहाब बिन सुलेमान अन शुएब अल जुबाई काला काना इस्मुर रसूलैन अव्वालीन शमाउन व यूहन्ना, कि दो जो रसूल गए थे ना सब पहले पहले वो शमाउन और यूहन्ना थे, वह इसमें सालस बोलस वलकरिया इंताकिया कहते हैं, और तीसरा जो उनकी मदद के लिए गया था वो पौलुस था, क्योंकि अरबी में वो पे नहीं होता ना जी, तो वो बेक जी बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगाओ कि जो है मुसलमानों का, तो इन्होंने मुझे कहा कि पलूस एक झूठा था शख्स था, ये मसीहत नहीं है पलूसियत है, और मेरी माँ बहन को गालियां दी कि तुम उसे नबी और रसूल बना के पेश करो। मैंने कहा मैंने नहीं बनाया नबी और रसूल, ये नबी और रसूल उसे इस्लामी किताबों ने बनाया। बिल्कुल फैक्ट है ये तो। और ये चिट्ठे भी बहुत ज्यादा हैं पौलुस उनके नाम पे, चिट्ठे भी बहुत ज्यादा हैं सर, ये जब बात हो रही होती है तो बड़ा भागते हैं, ये बड़ा चिट्ठे हैं जी। I will send you on WhatsApp. सिस्टर वफा माँ कह रही है ये किताब कैसे मिल सकती है, तो मैं आपको WhatsApp करूंगा इसको। It's okay, उम्मीद बरकत प्राप्त। It's fine sir, no problem. God bless you. No problem. तो मेरी गुजारिश ये है कि जब आप हमारी माओ बहनों को की इतनी इज्जत करते हैं ना, हमारी बेटियों को आप अगवा करते हैं, हमारी छोटी बच्चियों को आप अगवा करते हैं, और फिर आप जो है एक पेपर हमें पकड़ा देते हैं कि ये जी इसने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है ना, अब ये आपकी रही नहीं, इसे इस्लाम समझ आ गया। जो किसी मुसलमान को नहीं समझ आ गया वो एक छोटी मासूम बच्ची को समझ आ गया। तो मैंने कहा कि इसके पीछे एक पूरी तारीख है, इसके पीछे
पीछे जो है पूरा एक दीन है, मजहब है, और वो है इस्लाम, हजरत मोहम्मद और उनकी सुन्नत है। इसलिए जो है हम जो है इनके सामने भी बस हो जाते हैं। चले दो बंदे हमारी हिमायत कर भी देना तो 98 बंदे फिर वहीं पे खड़े हैं कि जी कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ तुम लोग ईसाइयों का साथ दे रहे। दो चार लिबरल बंदे भी तो होते हैं ना, वो कह देते हैं यार खैर है कोई नहीं छोड़ो दफा करो। तो जब आप देखोगे कि जब बतौर दीन ये हमला करते हैं किसी कम्युनिटी पे, किसी कबीले पे, तो वहां कोई बचाने वाला नहीं होता, पुलिस नहीं बचाती, जड़ा वाला सारा जलकर राख हो गया, पुलिस कितने मर गई सी। हालांकि पुलिस को कंट्रोल करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर वो सिंधु साहब क्रिश्चियन थे, उनका ऑर्डर किसी ने नहीं माना, उनका घर भी जला दिया इन्होंने। तो ये आप अंदाजा लगाओ, पुलिस ने अपने अपने क्या कहते हैं सरबराह की बात नहीं मानी, उल्टा उसे सस्पेंड कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए कि जी हम क्या करें, मुसलमान जुलूस ले आए हैं, अगर हम सस्पेंड ना करते तो लात और खराब हो जाते। ये कंप्रोमाइजेज हैं स्टेट के, जिसमें हम मसीह रोज घुट घुट कर जीते हैं, रोज घुट घुट कर मरते हैं। तो मेरी जो है ना मेरी परेशानी जो है, या मुश्किल कह लें या आप कह लें, मेरा इशू क्या है, मेरा इशू इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। आज आपको आप मुसलमान को बता दो कि भाई मसीहों के साथ खाना खाना भी जायज है, मसीहों के साथ जो है ये भी जायज है, मसीहों को गाली नहीं देनी, मसीहों के चर्च को खराब नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि ये इस्लाम कहता है, तो वो मान लेंगे। अगर उनको ये मुसलमानों को ये कहा जाए मस्जिद से कि भाई ईसाइयों को जीन नहीं देना, ईसाइयों को साह नहीं लेने देना, तो वो उसने वो माननी है क्योंकि इस्लाम कहता है। मुसलमान का कोई कसूर नहीं है, मुसलमान को जब ये कहा जाता है कि इस्लाम में ये है तो वो इस्लाम के मुताबिक एक्ट करता है, वो सवाब कमाना चाहता है, वो हजरत मोहम्मद की सुन्नत पे चलना चाहता है। मसला ये है। तो मैं स्ट्रीम के वसातत से थैंक यू वेरी मच सेनेटर कामरान माइकल साहब, आपकी काफियों के लिए हम शुक्रगुजार हैं, सारी कलीसिया पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजार है, और मैं बिशप इब्राहिम अजीम डैनियल साहब का भी शुक्रगुजार कि उन्होंने भी इस पर जो है कंट्रीब्यूट किया, और जितने लोग हैं सारे कैथलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान, जितनों ने भी इस जो है बिल पे जो है अपनी रजामंदी का इजहार किया था, और इतफाक से जो है ये बिल वहां तक पहुंचा और कामरान माइकल साहब की विसातत से पास हुआ, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि ये आपने बहुत बड़ा काम किया, और इस मौलवी को अब शर्म से डूब मरना चाहिए जो हमारे जो निजी वो है खानदानी मामलात है और आयली कवानीन है हमारे, वो क्या कहते हैं फैमिली लाज है, मैरिज एक्ट है या तलाक एक्ट है या इस तरह के मामलात में भी मुदाखलत करते हैं, और फिर कहते हैं कि अकलियतें आजाद है, अकलियतों को पूरा हक हासिल है, पाकिस्तान खेत मिट्टी आजाद है, एक दो लोग जो है अपने किसी लालच की वजह से बयान दे देते हैं मसीह लीडर कि जी मसीह पाकिस्तान में आजाद है, मसीह जो है बड़े महफूज है। भाई अगर मसीह महफूज है तो आपने बॉडी गार्ड क्यों रखे हुए, आपने गनमैन क्यों रखे हुए, महफूज है ना मसीह, पाकिस्तानी मसीह महफूज है ना, तो आप तो मजहबी लीडर हैं, आप तो बड़े लीडर हैं, आप तो रहनुमा है, फिर आपको गनमैन की क्या जरूरत है। आपका गनमैन रखना यह बताता है, इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि नहीं भाई मसीह महफूज नहीं है, आप जैसा लीडर जो है रूहानी लीडर नहीं महफूज, तो बाकियों का क्या हाल हो।
आप सोचे ना उनके बारे में जिनका कोई वारस ही नहीं है, जो बेचारे इंतहाई पिसे हुए और निचले दर्जे के। उनका क्या होगा? तो गुजारिश ये है मेरी के जब तक आप एक कौम नहीं हो जाते, एक यूनिट नहीं हो जाते, आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने इस बिल पे एक मुट्ठ होके ये कोशिश की है तो खुदा ने आपको कामयाबी दी है। आप इसको कामयाबी ना समझे, लेकिन एक स्टेप है, एक कदम है कामयाबी का। तो मसीह अगर अपनी बाइबल को पकड़ कर रखे, बाइबल से लिपटे रहें, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो जो है नमूना ना बन सकें, गवाही ना बन सकें, लोगों के लिए बरकत का बायस ना बन सकें। तो जिस जिस चर्च ने भी, चाहे वो एफजीए चर्च हो, चाहे पादरी साहिबान हो, जनाब अनवर फजल साहब हो, जनाब इब्राहिम अजीम डैनियल हो, कामरान माइकल हो, कोई जो जिस जिस ने भी इस बिल के लिए करदार अदा किया है, कौम को इकट्ठा किया है, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि जो मुक्तदरा है वो जो भी फैसला करे, लेकिन आपने उनके मुंह पे एक तमाचा जरूर मारा है कि भाई हम ये चाहते हैं हमारी बेटियों की उम्र 18 साल हो तो उनकी शादी, हमारे बेटों की उम्र 18 साल से कम ना हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का। 1872 का कानून चला आ रहा है, अब 2023 का वो बिल था जो पड़ा हुआ था। तो एक तो मुबारकबाद भी बनती है कलीसियाए पाकिस्तान की, और जितने लीडरान इसमें शामिल थे उनकी जो कोशिशें थी उनको भी मुबारकबाद बनती है। तो जितने भी इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, इंसानी हकूक के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, जिस जिस शोबे में भी हमारे मसीह बहन भाई कोशिशें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उन सबको मुबारकबाद, और उनकी कोशिशों की तारीफ की जानी चाहिए। अच्छा जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब हम बात करते हैं कोई भी, तो ये हमारे पीछे लठ लेके पड़ जाते हैं, हमें आवाज भी नहीं उठाने देते, इतना जस्टिफाई करते हैं, ये कत्ल तक को जस्टिफाई कर जाते हैं। शम्मा और शहजाद को जब जलाया गया था तब भी एक मौलवी साहब मुझे कह रहे थे कि उनकी भी तो कोई गलती होगी। मैंने कहा कि शर्म से डूब मरो, कम से कम एक दफा मजम्मत तो करो। फिर कानूनी इदारे मौजूद है, पुलिस मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन वाले मौजूद है, IB मौजूद है, इंटेलिजेंस है, CID है, कितने इदारे हैं भाई। सबसे बड़ी तो ISI है ना, फिर उससे भी तहकीक करवा लो कि किसकी क्या गलती है, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इतने बड़े जुल्म की मजम्मत तो करें कि आपने एक हामला खतून को, प्रेग्नेंट खतून को उठा के भट्ठे में फेंक दिए और आप कहते हैं कोई तो गलती होगी। तो इसका इतनी ये मतलब नहीं। जी, इसका ये मतलब तो नहीं है कानून अपने हाथों में ले लिया जाए। जी, जस्टिफिकेशन देखो उसकी, क्या जवाब दे रहा है वो बंदा। इस जवाब का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाएगा आप तो ठीक है ना भाई, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, ठीक है, तो रोते क्यों है ना? हर जगह शरारत करते हमारे जो है ना, मेरे बहन भाई जो है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरी कौम है, ये हर जगह शरारत करती है। ये शरारत के बगैर चैन ही नहीं, इन्हें तो खुद जाके कहना चाहिए कि मसीह भाइयो आपके कवानीन है, आपकी बात है, जैसा आपको अपने बाइबल कहती है आप कर ले, हमें कोई इतराज नहीं, आप भी पाकिस्तान के बराबर शहरी, ये हमें बराबर शहरी की समझते ही नहीं। मैंने कहा, मैं बात कर रहा था किसी से, मैंने कहा कि देखें
जब आप रोज ये कहते हैं, आपके बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी है, आपके हर बंदे के दिल में ये बात है कि जी इनकी बाइबल तो बदली हुई है, ये तो झूठे हैं, ये तो बातल है, इनका तो ये तो मुशरक है। तो मैंने कहा आप रोज हमें ये गालियां देते हो, हमारी रोज दिल आजारी करते हो, हमें रोज जो है ना आपकी ये बातें सहनी पड़ती हैं, ये आपके अकीदे और ईमान का हिस्सा है। मैंने कहा बताएं हम आपके साथ क्या करें, क्यों आप, आपको ये इस्लाम ने सिखाया, आप कहते हो कि इस्लाम को बुरा ना कहो। मैंने कहा मौला मसीह ने फरमाया था ना मत्ती की इंजील में कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाए, तो हम तो इस्लाम के फल को देख रहे हैं कि इस्लाम, इस्लाम के ऊपर जो फल लगा है वो कैसा लगा है। भाई रोज मैंने कहा कि आप ऐलान कर दो सारे मिलके, सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, मुफ्ती आजम, सारे ऐलान करोगे भाई जो भी कहेगा कि बाइबल बदल गई, ये बाइबल की तोहिन होगी, जो भी इनको जो है ना वो बातल कहेगा मसीहों को, वो मसीहत की तोहिन होगी, मौला मसीह की तोहिन होगी। मैं कहता हूँ देखता हूँ ये सारे मुसलमान सुधरते हैं या नहीं सुधरते। ये बदकिस्मती है, तो हमें तो छोटी छोटी बातों पे सहना पड़ता है। हम तो कोई दुकान नहीं बना सकते, मतलब कहेंगे चूड़े दी दुकान एदे को इतना शैल लेना, सौदा एदे को ना लेना। आपने हमें पाकिस्तान में रखा कैसे, तो ये सूरत हाल है सिस्टर जी। जी तो शुक्र है खुदा का बिल तो पास हो गया, अब देखते क्या बनता है। अच्छा एक भाई जिक्र कर रहे थे कि टियर टू भी पास कुछ ऐसा कह रहे थे गवर्नमेंट, दिस बिल येट टू पास फ्रॉम लोअर हाउस, तो इस बारे में तो मुझे इतना इल्म नहीं है। I think सेनेट से पास हो गया है, जो वीडियो हमें पता चली है, जो सेनेट से पास हुआ। थैंक यू आरिफ भाई, गॉड ब्लेस। लिंक लिंक एडमिन लिंक दे दो यार, जरा एक्टिव भी रहना, दे गालियां ना पड़वा देना यार। अच्छा एडमिन के पास ही इख्तियार है बस अब कॉल पिक एंड ड्रॉप का। जी सर, जी जी okay. हाँ जी इसलिए एडमिन खुश होगा, अभी हमें गालियां पड़ेंगी तो गायब हो जाता है वो। नहीं सर मेरा चैनल जमात अकबरी है, मेरा अपना कोई चैनल नहीं है, वही मेरा चैनल है। एडमिन ने लिंक शेयर कर दी, नजर तो नहीं आ रहा अभी तक, ना चैट में हुआ है मतलब कमेंट्स में और ना ही पिन हुआ है अभी तक। तो ये प्रेम सिंह साहब ने सुपर चैट भेजा जी, थैंक यू वेरी मच प्रेम सिंह जी, गॉड ब्लेस यू। सॉरी मैं इसको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता, एडमिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। नहीं अभी है, एक्टिव हो गए एडमिन, उन्होंने पिन कर दिया है लिंक। अच्छा, तो सारे बहन भाई ज्वाइन कर सकते हैं, मोमिन हो नॉन मोमिन हो नो प्रॉब्लम। तो एडमिन प्लीज से सुपर चैट भी जो है वो पिन कर दें यहाँ पे, तो हम पढ़ सकें उसे।
तो मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि मेरी बातों पे नाराज होने की बजाय, हर्ट होने की बजाय, ऐसे डिफेंसिव होने की बजाय, जो है इधर उधर की बातें करने की बजाय सोचो, सवाल पैदा करो कि आखिर ये जो मामलात है, मसीह लोग इतना शोर करते हैं तो आखिर कोई वजह तो होगी। एडवन की शिकायत लग गई है। सुलेमान कह रहा है आपका एडवन बहुत स्लो है। सही कह रहे हैं, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आखिर में कछुआ ही जो है वो रेस जीतता है भाई, ये भी देख लें सुलेमान भाई। थैंक यू स्वीटा परवेज, सुलेमान भाई बहुत शुक्रिया, माइकल से साहब आपके आने का शुक्रिया, अल पसीनो तो हमारे सदाबहार है ना जी। जी बिल्कुल, जो जो मुझे कमेंट्स नजर आए मैंने सबको थैंक्स बोल देता हूँ, जितने भी हैं स्ट्रीम में सबके लिए जनाब नेक ख्वाहिशात है, मेरी दुआएं आपके साथ। अच्छा भाई, बीच में मैं आप बात कर रहे थे इसलिए मैंने वो काटी नहीं बात, जब आप बात ये कर रहे थे ना कि ये आग लगती है या फिर मुसलमान जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं या फिर उनको अगर सही दलील भी बताई जाए तो वो फिर भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। असल में अगर देखा जाए तो सही है, इंसान गलत नहीं है, मज़हब गलत है, लेकिन इंसान के अंदर भी जो है, जो क्रिएटर है, खुदा है, उसने एक इंस्टिंक्ट डाली है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ है, उसे पता है कि मैं मार रहा हूँ, कत्ल कर रहा हूँ या मैं किसी को दुख पहुँचा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ। अब अगर हम इस्लाम की तरफ आ जाएं तो वो ये दर्स देते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना है और अगर नहीं करोगे तो इसका मतलब तुम इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे और इसका मतलब ये है कि तुम जो है वो दोजख की आग में जाओगे। डराया बहुत ज्यादा गया है, तो शायद इसी वजह से ये सब काम होता है। आई थिंक हमारे साथ कोई ज्वाइन किए हैं तो जी भाई आगे वापस आ जाएंगे, इमाद आई थिंक थे, चले गए हैं वापस। ओहो, तो उनको जो इतना ज्यादा खाका जो बनाया है ना इस चीज का, डराने वाला, धमकाने वाला, जन्नत की, जन्नत क्या नहीं मिलेगी, दोजख की आग। थैंक यू किरण जी फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू किरण, आई थिंक ये लेडी हैं, थैंक यू सिस्टर टू मच। तो वो भी एक एंगल है जी प्रसाद भाई, मैंने कहा मुझे नहीं, वो उनका नाम जोड़ के लिखा हुआ ना, किरण जोसेफ आई थिंक। अब किरण जो है वो लड़कों का भी नाम है इंडिया में ना, मेरा इत्तेफाक अच्छा। हुआ है, हाँ जी, तो लड़कियों का भी है। एनीवेज थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस ऑल द टीम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। एडमिन है कोई स्ट्रीम से में जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज आप उनको कॉल पे लें, उन्होंने एडमिन ने चैट भी कर दी है पिन। okay. जी जी एक साथ सर आप इनसे बात करें। जी जी ब्रदर, हेलो, अपना माइक अनम्यूट करें जी। सलाम बशारत भाई। सलाम जी, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी? जी हम ठीक है जी, मैं खुदा का फजल ठीक हूँ। और सिस्टर जी आप ठीक है? जी खुदा उनका शुक्र है भाई, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, मसीह में आपको सलाम। सलाम जी, सलाम, खुदावंद आपको दोनों को बहुत बरकत दे। बशारत मुगल साहब, मैं पास्टर फैसल लाहौर से। जी जी फैसल साहब कैसे हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल ठीक, खुदा उनका शुक्र है। मैं काफी दिन से ना आपकी स्ट्रीम वगैरह पे विजिट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बड़ा जबरदस्त काम शुरू किया हुआ है। लेकिन होता ये था कि आपकी स्ट्रीम गुजर जाती थी और मैं बाद में देखता था। अच्छा, तो आज अचानक से मैंने कहा चले देखने, तो मुझे मौका मिल गया।
आपकी आवाज नहीं आ रही ऐसे भाई, आपकी आवाज मौजू क्या चल रहा है आज? आज का टॉपिक जो है वो आपने सुनी नहीं स्ट्रीम? नहीं, मैंने अभी बस ज्वाइन किया आपको। वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की जो वो पास हुआ सेनेट से उसके हवाले से। अच्छा अच्छा वो कामरान माइकल साहब ने जो दिए सेनेट में। अच्छा अच्छा सही, चले मैं सुन रहा हूँ फिर आपको। थैंक यू जी। मैंने तो अभी उनका भी बयान नहीं सुना आज, क्योंकि संडे था तो चर्च में काफी मशरूफ थे, उसके बाद घर के थोड़े काम थे तो अभी फ्री हुए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी शरद भाई। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आप फास्ट रिवाइंड करके आप देख सकते हैं ना, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा इस बारे में। जी बहुत जी, थैंक यू। ओके शुक्रिया, ओके थैंक यू, दुआ में याद रखिए। जी एल्बम जी, अच्छा मैं अपने सारे क्रिश्चियन बहन भाइयों से, बल्कि सब जो लोग भी जुड़ते हैं वो भले ही मुसलमान क्यों ना हो, हम इतना इंटरेस्टेड नहीं है आपकी ओरिजिनल आईडीज को जानने के लिए, तो बेटर है कि आप लोग ना रिवील किया करें, क्योंकि फिर हमें अपनी कंट्री में खतरात का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से अप्रिशिएटेड है अगर आप लोग अपनी मतलब के नाम भी चेंज करके और अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ भी ना आए, डीपी ना लगाए तो बेटर है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि हम किसके साथ जो है वो आगे जाके ये कौन, ये वीडियो पड़ी रहेगी और कौन किस तरीके से इस तरह से इस्तेमाल करेगा इसको। जी एक सुपर स्टिकर भी था, वो नाम मैं नहीं याद कर पाई, वो एडमिन ने लगाया था जब बात हो रही थी, तो मैं ट्राई करती हूँ अगर मैं चैट में से देख सकूं। जी हमाद साहब, प्रेम सिंह विश्वकर्मा, प्रेम सिंह विश्वकर्मा, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। जी सर, आप जिन्होंने भी ज्वाइन किया हम अनम्यूट कर रहे हैं। जी विशारद साहब। जी जनाब। जी जनाब। जी जनाब विशारद साहब, आर यू रेडी? आप मुझसे डिबेट करेंगे जो आपके फर्स यानी के आपके जो अकायद हैं जिनकी कोई दलील रेफरेंस ही नहीं है। अच्छा बात यह है कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, तो कुरान से शुरू करें, कुरान पे डिबेट रखें। सर आपके जो अकायद है ना, जो आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नाउज़ बिल्लाह या पता नहीं क्या बना लिया है, तो आप इस पर बात करें ना। ऐसे तो नहीं होता ना सर। हाँ, साहब ऐसे नहीं होता। क्या खतरा है ओ भाई मेरे, आप देखे तो आपको क्या खतरा है, अल्लाह के बंदे आपको क्या खतरा है? नहीं फिर कुरान पे करो ना डिबेट, आ जाओ कुरान से शुरू करते हैं, फिर आगे बिस्मिल्लाह कुरान से करो ना। नहीं ये देखे आपके चैनल पर आया हूँ, मैंने सवाल किया है, आज डिबेट करनी है, दुनिया देखेगी आज आप कैसे भागेंगे। दुनिया देखे, दुनिया हम तो, मैं 2.5 साल हो गए चैलेंज किया हुआ है, कोई आ ही नहीं रहा। 2.5 साल को चैलेंज करता हूँ, चलो आओ बात करो भाई। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो 2.5 साल से किया हुआ है कि भाई आ जाओ तो कुरान पे डिबेट करो। जानते नहीं है आप, ऐसे ही बस आप करो ना बात, डिबेट करो, और ये दोबारा आपने यूट्यूब पे लगानी है डिबेट, लगाएंगे भाई आप, लाइव ही चलेगी। तो लाइव ही कह रहा हूँ ना, शुरू करेंगे कुरान से। नहीं नहीं नहीं, कहता है कुरान, अल्लाह फरमाते कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद। डिबेट का तरीका ये करते हैं, 2 मिनट आप बात करें, 2 मिनट मैं बात करता हूँ, टाइमर लगा लेते हैं, टाइमर लगा लेते हैं। मैं आपको 40 मिनट दूंगा, आपने कुरान की सदाकत बयान करनी है। नहीं नहीं मैं आपको 40 मिनट दूंगा, आपने अपना कीदा साबित करना है सर, भागना नहीं है।
ये मैं आपको कुरान को क्या खतरा है, तो फिर इल्मी इतर पढ़े तो इल्मी यानी कि इल्मी किताब यानी कि जिस आप ये बताएं आप शुरू कर लेकर मारूंगा मैं मोहम्मद को लेकर मारूंगा नहीं इसका मतलब है तुम गलत हो इज इट मीन नहीं अगर गलत बात करोगे तो फिर गलत ही सुनोगे मैंने आपको कुछ नहीं कहना आप डिबेट हार गए हैं आप डिबेट हार गए हैं मैंने आपको कुछ नहीं कहना लेकिन आपके मोहम्मद को लितर मारने हैं मैंने ये आप जान लो यहां पे तमीज से बात करना जब बदतमीजी करोगे तो फिर याद रखना कि हमने इस्लाम का क्या करना है और मोहम्मद के बारे में क्या कहना है तो इसलिए ये तुम्हारी दाढ़ियां किसी काम नहीं आएंगी तुम्हारी शलवारें जो है ना मस्जिद में तो उतरती उतरती हैं यूट्यूब पे भी उतरेंगी तो अगर कुरान की सेहत पे कुरान की सदाकत पे कोई माई का लाल कोई मौलवी कोई मुफ्ती डिबेट करना चाहता है तो आ जाए कुरान को सच्चा साबित करते हुए तुम्हें मौत ही पड़ जाती है क्यों डरते हो कुरान इतनी लूली लंगड़ी किताब है तुम उसे सच्चा भी नहीं साबित कर सकते मर क्यों जाते हो देखें सिस्टर ग्लोरी इनकी हालत जी वैसे भी उठा के फेम हासिल करने के लिए आ जाते हैं वैसे भी बात जब एक टॉपिक पे हो रही है बात ये है कि वो टॉपिक पे बात आके करें सबसे पहली बात यह है कि आके इन जनरल आप हांके लगा रहे हैं फिर भाग भी गए हैं नहीं आए सो बिस्मिल्लाह लेकिन बात यह कि मेरे साथ जिसने भी डिबेट करनी है ना कुरान से शुरू होगी फिर जिस मर्जी टॉपिक पे आए लेकिन पहले कुरान पे होगी कुरान को पहले सच्चा साबित करे उसके बाद मेरे साथ बाइबल पे करे मसीह कायद पे करे जिस बात पे भी करेगा मैं करने के लिए तैयार नहीं वैसे भी ये तो कहते हैं ना कि दूसरी किताबें तो तब्दील हो गई हैं तो जब ला तब्दील किताब पे ये बात करने क्यों आए ये हक पे बात करें अपनी कुरान पे बात कर जो इनका हक है या सच है उस पे बात करें ये उससे क्यों शर्मा रहे हैं कुरान से क्यों शर्मा रहे हैं अभी तो हम बात कर रहे थे तो आपके मौलवी सेनेट पे उठ गए हमारे नुमाइंदा बात कर रहे थे सेनेट में कि ये जो है वो कुरान और हदीस में जो है वो 6 साल लिखी है अभी वैसे एक बात है ये कुछ पढ़े लिखे मुसलमान उसका भी तोड़ निकाल लिया है आयशा की ये जो है ये अपनी तरफ से साबित करते हैं कि 18 साल की थी ठीक है वो साबित हो ही नहीं सकते नहीं साबित नहीं हो सकता पर वो छलांगे मारते हैं कि हम कर सकते हैं साबित वो झूठ हाँ जी वो झूठे हैं तो ये जी ये मौलवी साहब ने तो सच्चा बताया कि जो है इस्लाम में एक्चुअल जो अपोज करके अपनी हकीकी हकीकत सामने लाए हैं और ये यूट्यूब पे सदा रहेगी बात कोई आला तब आगा बास इधर से 3 हफ्ते टाइम लेके गया था मुझसे कि मैं कुरान पे डिबेट करूंगा मुझे 3 हफ्ते तैयारी के लिए चाहिए मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह जिस दिन कुरान पे बात हो जाएगी उसी दिन अगला टॉपिक जो है ना उसी दिन उसी टाइम उसी स्ट्रीम में बाइबल पे होगा जब उसने इधर उधर मौलवियों से मशवरा किया तो फौरन भाग गया बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इस्लाम जो है उसके पास तो बेस ही कोई नहीं है एक जो है जिनसी दरिंदे पे खड़ा इस्लाम है और तुम इलम की बात कर रहे हो भाई कुरान को सच्चा तो साबित करो अब हिम्मत है आए ऊपर करें आप बात क्योंकि आप जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले तो उस पे बात करें आप ठीक है कि क्यों इस्लाम कह रहा है कि 6 साल वो वीडियो भी दोबारा से कर देते हैं आपको प्ले इसकी वजह ये है कि आपके जो सेनेट में है कोई लल्लू पंजू जो है वो नहीं मौलवी साहब बैठेंगे किसी पाए के किसी अच्छे ग्रेडिंग के ही बैठेंगे ना वो अपोज कर रहे हैं क्लियरली इसका क्या मीनिंग है आप वो कह रहे हैं कि हाँ 6 साल की बच्ची से शादी करो ये तो कुरान और हदीस के खिलाफ आप लोग सेनेट में बिल दे रहे हो क्रिश्चियंस बदतमीजी तो आप करते हैं भाई हम कब करते हैं हम तो आप बदतमीजी करोगे तो हम तो सीधी सीधी भाई मैंने बता दिया जो मुझे गाली देगा मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा कोई बदतमीजी नहीं करूंगा मैं हजरत मोहम्मद को कहूंगा
तो जिसने मेरे साथ डिबेट करनी है कुरान से शुरू करे, आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। कुरान के बाद जो है आप फिर जो मर्जी डिबेट करो, मेरी तरफ से आपको टाइम है, मेरी स्ट्रीम हाजिर है, आप आए, आप 30 मिनट लेना चाहते हैं, एक घंटा लेना चाहते हैं, आप कुरान पे खुल के दलाइल दें, उसके बाद मैं उसका रद्द पेश करूंगा। फिर जब बाइबल का होगा तो आप बाइबल पे करना, वहां पे भी जो आपसे कहा जा सकता है करना, मैं अपना जवाब दे लूंगा, ठीक है ना। और अकायद पे बात करनी होगी, अकायद पे बात करना, लेकिन कुरान से शुरू करेंगे, क्योंकि घमंड है ना तुम्हें कि हमारी कुरान जो है वो, उसकी सेहत और सदाकत पे बात करें। मैं झूठा साबित करूंगा हजरत मोहम्मद को कि वो तौरिया कैसे फरमाते थे, अंबिया कैसे, मैं इस्लाम से साबित। कमेंट्स वॉरियर क्यों बने हुए हैं? ओके, इफ यू आर रेडी आप आओ कॉल पे, आप रिक्वेस्ट करें कॉल, और कॉल पे तमीज से आराम से बात करें, तहमुल से आ जाएं कॉल पे, आ जाएं इधर, लिख लिख के जो है ना अपनी उंगलियां नहीं जाया करें। दो तीन हजरात हैं कमेंट जो हाथ कर रहे हैं, ऊपर आने से कतरा रहे हैं, दो तीन अफराद हैं ऑलरेडी, तो आ जाएं कॉल पे आए। सर वो बात ही नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक पे भी, जो टॉपिक भी आज का रखा है, ये तो खुद कहेंगे कि हमें भी 2 साल की बच्ची दे दो, नो प्रॉब्लम, सुन्नत है। मर्द हजरात तो भाई अपनी बेटियां दें ना बाबों को, किसने रोका है। नहीं देनी नहीं है बेटियां, बस शादी करनी है बेटियों से, बच्चियों से, छोटियों से। तो जो भी कोई मुफ्ती है, मौलवी है, मुसलमान है, कुरान पे बात करना चाहता है तो सो बिस्मिल्लाह आए, कुरान को सच्चा साबित करो। यार यहाँ कितने क्रिश्चियन सुन रहे हैं, जब आप कुरान को सच्चा साबित करोगे है ना, कितनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो डरते क्यों? अच्छा सर हम लोग आज, अभी कोई भी नहीं आ रहा, आई थिंक ये लोग डर ही रहे हैं। तो मैंने ये शादियों के हवाले से आपने बात की थी, तो मैंने एक लिस्ट एक्चुअली बनाई थी इनके बच्चों की भी। जी जी बयान करें। जो मोहम्मद है, मोहम्मद साहब, तो इनका जो पहला बेटा पैदा हुआ, आगे डिबेट बड़े, मैंने कोई नहीं आ रही, देखें पहले भी। जी मैं कह रहा हूँ कि मैं डिबेट के लिए आया हूँ। जी जी तो जी से आपके पास टाइम है, आप करें बात, फिर कुरान की सेहत और सदाकत बयान करें। अच्छा मैं अब डिबेट करता हूँ शुरू, तो 40 मिनट मेरे, 40 मिनट आपके, ठीक है जनाब जी। कुरान की सेहत और सदाकत बयान करें आप। सर 40 करता हूँ, देखें जी बात ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, 40 मिनट आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, 40 सेकंड्स मेरे, 40 सेकंड्स बशारत साहब, 40 सेकंड, जो आप जितने मुझे बता देते हैं, एक एक मिनट, 2 मिनट भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुरान की सेहत और सदाकत पे बयान दे दे, बात कर, मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट मैं बात करता हूँ, 1 मिनट आप बात कर लें यार, आप ऐसे कर लें, चलें दें कुरान की दलील, चलें। अच्छा जी 1 मिनट मैं बात करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये जी, मैंने जो दावा किया है उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम हूँ। मैंने ये बात की थी कि आप हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम, बंद कर दो यार इसको, बंद करो जरा इसको, बंद करो, म्यूट करो इसको।
किसको म्यूट करें भाई? आपको म्यूट करना और किसको करना? जब मैंने कहा कि कुरान पे दलील दो तो आप स्टोरी शुरू हो गए। नहीं नहीं तो मैं अपनी बात एक मिनट बाद मैं करूंगा, एक मिनट आप। नहीं नहीं आपने कुरान की सेहत पे बात करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो कहीं और चले जाए। ये मुनाजरा तो फिर तो नहीं है ना? हाँ तो मुनाजरा तुम मान ही नहीं रहे। ये मुनाजरा तुम किस टॉपिक पे बात कर रहे हो तुम भाई? कुरान की सेहत पे बात करो, कुरान कुरान को सच्चा साबित करो। कुरान को क्यों नहीं सच्चा साबित करते तुम? मसला क्या है? कुरान का दिफा करना तुम लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? भाई दलील दो कि जी ये कुरान है, इसकी ये सेहत है, ये सदाकत है, ये तरीकी तौर पर है, ये हमारे पास इसका सबूत है, ये है ये है, वो बयान करो। मैं फिर अगर उसको ना कट कर सका तो तुम्हारी किताब सच्ची साबित हो जाएगी। अच्छा ये एक और बात है बशारत भाई, अगर ये तकरीर करेंगे तो वो तो फिर हम 40 मिनट या 40 घंटे भी बैठे रहेंगे। कुछ रेफरेंस बताएं। जो डिबेट होती है, नहीं जो डिबेट होती है वो तो इसी तरह होती है ना, लेकिन इशू ये है कि ये कुरान पे तो बात ही नहीं कर रहा वो। बिल्कुल ठीक है ना, जो टॉपिक आप दे के कह के सुन के ऊपर आए हो करो उसकी दलील दो, कोई बात ही नहीं, चाहे एक मिनट की बात करो, एक मिनट आप कर लो दलील दो, फिर एक मिनट मैं बात कर लूं। ठीक है बिल्कुल सर। तो अगर तुम लोगों में इतनी जरूरत ही नहीं है तो भाई है ना, ऐसे भागते क्यों फिरते हो? अन्य कुत्ते हरना मगर भजी जाते भजी जाते। ना तुम हजरत मोहम्मद का दफा कर सकते हो, ना तुम कुरान का दफा कर सकते हो, फिर तुम है क्या? फिर इस्लाम में सच्चाई क्या है? इस्लाम आप अंदाजा लगाएं इनकी जहालत का या इनके इल्म का। भाई तुम लोगों को हजरत मोहम्मद की जिंदगी पे अगर सवाल उठे तो क्यों परेशान होते हो? बकौल तुम्हारे वो तो नबियों का सरदार है, हमने सिर्फ इतना ही साबित किया ना कि जी वो बच्ची बास था, छोटी छोटी बच्चियां उसे पसंद थी, तो इसमें हमने कोई अपनी तरफ से कहा? या हम कहते हैं कि ये लोग तुम्हारी कुरान है इसको साबित कर दो सच्चा। आ जाए कोई और मोमिन आ जाए, क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पे आप लोग। सुलेमान भाई आप सही कह रहे हो कि बगैर सबूत के ये अकेला ही दौड़ कर जो है ना फतेहमंद हो गया, इसको मेडल मिल गया इस्लाम में। बगैर दलील के तो बात नहीं कर सकते है ना, आके तकरीर करना शुरू कर दी है आपने, फिर टॉपिक पे भी नहीं रह रहे हो आप लोग। भाई कुरान की दलील दो कि ये सच्चा है। आ जाए इमाद भाई वापस आ जाए, और तरीके से आप एक मिनट पूरा लें, आपको कोई नहीं टोकेगा, लेकिन आप टॉपिक और दलाइल के साथ बात करें। कुरान पे दलील दो जी। कुरान पे अगर दलील देनी है तो दो, हम सुनने के लिए बैठे। मैं अब बात करने के लिए आया हूँ तो आप मुझे इंटरप्ट न करें, एक मिनट आप बात करें, एक मिनट मैं बात करता हूँ। भाई कुरान पे बात करोगे? नहीं तो आपके जो अकायद है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे आप, ये बताएं ना भाई। ये कुरान को मौत पड़ती है? नहीं आप देखे ना, फिर आप बदतमीजी पर आ रहे हो। मैं ये तो कह रहा हूँ बदतमीजी नहीं आ रहा, क्या क्या मतलब? मैंने आपसे तरीके से बात की है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं भी तो तरीके से कह रहा हूँ, मैं भी तो मेरी बात मैं भारतीय में बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात नहीं समझ आ रही।
आप डिबेट कर रहे हो। ओहो मेरे बात सुनो, वैसे मेरे साथ बात करनी है सो बिस्मिल्ला वेलकम, सीने ना ला के गल करांगे तेनू, लेकिन इशू ये है कि अगर डिबेट करनी है तो मैंने आपके सामने पहली शर्त यही रखी है कि डिबेट कुरान पे होगी। कुरान की बाकी सब अपने एक नहीं, वो ठीक है, मैं बात समझ गया हूँ, आप ये सवाल कर रहे हो, पर मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उस पर क्यों नहीं आ रहे आप, ये मैं कह रहा हूँ। मैं तो आपको मैंने बताया ना, वैसे जो मर्जी मेरे साथ आप बातचीत करो नो प्रॉब्लम, मैं बेशक मेरा नंबर भी ले लो, ये इशू नहीं है कि वहाँ किसी भी टॉपिक पे बात करना, लेकिन यहाँ अगर बात करनी है तो कुरान को पहले सच्चा साबित करो, कुरान को हजरत मोहम्मद वाला कुरान साबित करो। नहीं वो बात तो चले, आपने एक सवाल भाई, अब आप, मेरा नहीं, मेरा मैं पूछ रहा हूँ क्या वजह है कि आप कुरान को सच्चा मुनाज़रा ऐसे तो नहीं होता ना जो खुद साख्ता हो, ये तो खुद साख्ता, आप भी तो खुद साख्ता ही कर रहे हो ना, आप मेरी स्ट्रीम पे आके खुद साख्ता कर रहे हो अपनी बात, ठीक है ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कुरान पे करो डिबेट। मैं आपके स्ट्रीम पे पहले भी आ चुका हूँ, सुने सो दफाओ, आपने और टॉपिक पे बात की, हमेशा टॉपिक से भागे हो, मैंने डिबेट की है, आप सारे मुसलमानों को, मैंने सारी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज किया है कि आ जाओ भाइयों कुरान पे, कुरान को सच्चा साबित करो, कुरान को अल्लाह की किताब साबित करो, इवन कुरान को हजरत मोहम्मद की किताब साबित करो, अगर हजरत मोहम्मद की नहीं होती तो अबू बकर की साबित करो, सलम की मैं साबित करूंगा, पर आप क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं साबित कर रहे, बस करेंगे हम भी करेंगे, आज आज दुनिया को बताएं कि आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्यों हैं, बता दो पूरी दुनिया को बता दो, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरी जाती बात, मैं इसलिए क्रिश्चियन हूं कि क्योंकि मैं मोहम्मद पर ईमान नहीं रखता और मोहम्मद झूठ बोलते थे और कुरान एक झूठी किताब है, और आप जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, म्यूट कर रहे हैं, मेरा जवाब सुन लो, आपने सवाल किया जवाब सुन लो, मैं इसलिए क्रिश्चियनिटी में हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद को झूठा नबी मानता हूँ, मैं इसलिए क्रिश्चियनिटी में हूँ क्योंकि मैं कुरान को भी झूठा मानता हूँ और साबित भी करता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो शैतान है असल में वही अल्लाह है और कुरान से ये साबित है, हमारे जो वो है हुज्जतुल मुर्तदीन जनाब हजरत आदम सीकर अलैहिस्सलाम, उन्होंने ये बात साबित की हुई है, इसलिए हम भी मानते हैं, मैं खलीफातुल मुर्तदीन हूँ और इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान ही जो है वो अल्लाह है, अल्लाह ही शैतान है। अच्छा अगली बात सुन ले, पूरी बात सुन ले, मैं क्यों क्रिश्चियन हूँ, मैं इसलिए क्रिश्चियन हूँ, आप डिबेट आ रहे हैं मेरे पे, आप डिबेट आ रहे हैं, डिबेट आ रहे हैं यार, डिबेट ऐसे ही आ रही हूँ आपके कहने से ही आ रही हूँ, ओ भाई सुन लो पहले पूरी बात, आप सवाल के यार एक मिनट इसे बैक स्टेज कर रहा, बैक स्टेज करो इसको एक मिनट, मैं इसको पूरी बात तो बताऊं जब तक ये बात पूरी सुनेगा नहीं। देखो आपने कहा कि आप क्यों क्रिश्चियन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने कुरान को परखा है, जाना है, मैं उसको झूठी किताब समझता हूँ, मैंने हजरत मोहम्मद को जो है वो तारीख में, सुन्नत में, कुरान में, हदीस से, तफसीर से जानने की कोशिश की है, मुझे लगा है कि वो झूठे हैं, मैं कन्विंस हो गया हूँ कि वो सच्चा नबी नहीं है, तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। अब दूसरी बात, इस्लाम में निजात नहीं है इसलिए मैं क्रिश्चियन हूँ, निजात जो है वो मसीहत में है इसलिए मैं मसीह हूँ, क्योंकि कुरान कहता है कि मोहम्मद को अपने बारे में नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होना है, मोहम्मद खुद कहते हैं बेटी फातिमा मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, चचा बास मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, बुहारी की हदीस है, फूफी सफिया मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, फिर बुहारी की हदीस है, मोहम्मद खुद कहता है कि वहाँ किसी के माल काम नहीं आएंगे, साहबा ने पूछा आपके तो आएंगे, उसने कहा कि मेरे भी काम नहीं आएंगे, तो जब निजात है ही नहीं इस्लाम में, मोहम्मद के माल की गारंटी नहीं है, मोहम्मद के ईमान की गारंटी नहीं है, तो मैं कैसे रहता जी मुसलमान, इसलिए मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा मैं भी इनको जवाब देना चाहूंगी कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा, क्योंकि वो ये तदरीस देता है, वो दर्स देता है कि छोटे बच्चों के साथ शादी कर लो, छोटे बच्चों की कोई विल नहीं होती, इसका मतलब आप जो हैं वो कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ जबर कर रहे हो या रेप कर रहे हो उनका, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, और आप अलाउ करते हैं ये शरई तौर के ऊपर, जो कि बहुत ही नागवार है, और पेडोफाइल आपके नबी भी थे और आप लोग खुद भी हैं, और यहाँ पे बड़े सारे कॉलर्स आके कहते हैं कि मैं तो कर दूंगा शादी 60 साल की आदमी से अपनी छोटी बच्ची की, क्योंकि इस्लाम में अलाउड है, और वही आज हमारा टॉपिक भी है इनफैक्ट।
तो टॉपिक पे रह के बात करें और रीजंस हमने दे दी हैं दोनों ने अपने अपने, और टॉपिक पे रहें और बात करें। जी बशारत भाई। जी, तो मैं इसलिए मुसलमान नहीं हूँ कि ये देखें सिस्टर जी, मैंने पहले भी शेयर किया ये एडवन, प्लीज ये जरा स्क्रीन शेयर करना। जी भाई, मैं कैसे मुसलमान रह सकता हूँ? ये देखो स्क्रीन कि एक छोटी सी बच्ची, उसमें हजरत मोहम्मद ने, नबियों के सरदार ने नजर गाड़ लिया कि इतनी सोहनी कुड़ी उम्मे हबीबा। तो आप मुझे कहते हो ये मकतबा रमानिया लाहौर की छपी हुई है किताब। अच्छा, ये मैं पढ़ भी देती हूँ, बड़ी छोटी, ये छोटी लिखी हुई है, पता नहीं लोगों से पढ़ी जा रही है या नहीं, मैं पढ़ देती हूँ कि ये हजरत उम्मल अफजल लिखा हुआ है सर, या उम्मल फजल, उम्मल फजल मरवी है कि एक मर्तबा नबी ने उम्मे हबीबा बिनते अब्बास को देखा, उस वक्त वो दूध पीती बच्ची से कुछ पड़ी थी, तो नबी ने फरमाया अगर अब्बास की ये बेटी मेरी जिंदगी में जवान हो गई तो मैं उससे शादी कर लूंगा। माशाल्लाह, तो फर्द करो, फर्द करो 18 साल की वो होगी तो शादी करेंगे, फर्द करो। तो 18 साल बाद हजरत मोहम्मद की उम्र कितनी होगी उस वक्त, क्योंकि वो 60 साल के, 61 के थे आई थिंक जब उन्होंने, 62 के थे, 62 के थे, तो वो 80 के हो जाएंगे, 18 साल बाद 80 साल का बाबा 18 साल की लड़की से शादी करेगा, लड़की के साथ, और नजर कब उस पे गाड़ी है, जब वो 62 साल के, दूध दूध वो बच्ची, दूध बच्ची थी, दो ढाई साल की बच्ची, ढाई साल की काल में। माशाल्लाह, ये मैं कैसे, मैं कैसे मुसलमान रह सकता हूँ? अब वो, अब सुन रहे हैं तो वो देखें, और अब वो इसको ज़ईफ़ और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो हम स्टेटमेंट भी लगा देते हैं जो आपके मैं कह सकती हूँ सर्टिफाइड या क्वालिफाइड मौलवी, क्योंकि सेनेट में ABC को नहीं जाके बिठाएंगे, कोई क्वालिफाइड मौलवी होगा, वो बड़े उठ के और वो उसको वो कर रहा है, अपोज कर रहा है। नहीं, हमारे पास इनकी ज़ईफ़ों का भी इलाज है, वो आप टेंशन ना लें। तो जो आज हमने स्टेटमेंट भी दिखाया है उसमें वो कह रहा है कि भाई 6 साल क्या प्रॉब्लम है, करो शादी 6 साल भी, क्योंकि नबी ने तो खुद कहा है 2-2.5 साल की भी बुकिंग कर लो, पैदा होते साथ भी जो है वो निकाह पढ़वा दो, नो प्रॉब्लम, फिर वेट करो उसका। जिनको ये कुरान का हुक्म है सिस्टर जी, सूरह तलाक में, कि जिन बच्चियों को मेंसेज नहीं आए आप उनको शादी भी कर सकते हो, उनको तलाक भी दे सकते हो, यानी मुबाशरत भी कर लो, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ जी, तो अब आए इमाद साहब। आज आ नहीं रहे मोमेंट, तो ये टॉपिक बड़ा हॉट है और वो पहले से ही बड़े शर्मिंदा हो गए हैं, तो ले लो यार उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं। ये हदीस हटा दें एडमिन, और लगी रहे हदीस, लगी रहे, कोई बात, अगर मुझे कुछ और लगाना हुआ तो मैं उतनी देर चेक करता हूं। अच्छा, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है या सवाल आ रहा है कि सिस्टर ग्लोरी इट इज अलाउड टू मैरी 9 इयर्स इन पाकिस्तान, वो यही तो बात हो रही है भाई, यही तो फड़ा डाला यही तो बात है कि वो अलाउड है, और कानून चलता कहाँ है, कानून तो हवा में ही है सारा ही। अच्छा एडमिन अभी थोड़ा सा अवे है आई थिंक सो, एडमिन कोई है कॉल में तो आप ले सकते हैं उनको, आज जिसने भी ज्वाइन करना है हमारी स्ट्रीम तो प्लीज आप बिला झिझक ज्वाइन कर सकते हैं, मोमिन हो या नॉन मोमिन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये बड़ा शोर आया है। जी सर, बात करें आप। हम सीएसओ में आपकी सलामती हो सिस्टर ग्लोरी, बशारत भाई। सलाम भाई जी, थैंक यू जी, आपकी भी सलामती हो जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है जी। बोलो, आज जो आया था आपने पढ़ी है सिस्टर ग्लोरी ने,
मरकज की अंजील उसका 10 बाब और उसकी पहली से लेके 6 से 9 तो आज सुबह ही क्योंकि आज संडे था तो इसी आयत पे जो है ना मेरी मेरे घर पे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। तो मेरा सर आपसे एक छोटा सा ये एक सवाल है क्योंकि मैंने बाज क्रिश्चियनों को देखा ऐसे करते हुए क्योंकि लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे और आगे जैसे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि औरत अगर अपने मर्द को छोड़ती है तो अगर दूसरे बंदे से जाके ब्याह करती है तो वो जना करती है, इसी तरह अगर मर्द भी करता है तो वो भी जना करता है। तो ऐसे लोग जो के अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं या फिर बीवी उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो सेपरेट हो जाती है, फिर से जाके कहीं और अपना घर बसा लेती है, कलाम में तो वाजिया लिखा हुआ है कि आप ऐसा अगर करोगे तो आप जना करोगे, लेकिन ये जो लोग कलाम के बरखिलाफ चलते हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई कलाम के बरखिलाफ कौन चलता है, बात ये है कि पहले आप इसको समझे, पहले आप देखें कि जिनके सामने समझा दे प्लीज जी, जिनके सामने आपने कलाम रखा है वो मसीह हैं भी कि नहीं, वो निजात याफ्ता हैं भी कि नहीं। जी ठीक है, ठीक है ना, जब एक बंदा उसको पता ही नहीं है, उसको मसीह का पता ही नहीं है, उसको निजात का पता ही नहीं है ना, आप उसे क्या पता है क्या करना है क्या नहीं करना जी। ये ईमानदारों के लिए हुक्म है, ये मसीहियों के लिए हुक्म है, निजात याफ्ता लोगों के लिए हुक्म है। और निजात याफ्ता लोगों में तलाक की शर्त क्या रखी है, मौला ने तलाक की शर्त क्या रखी है, किस वजह से तलाक, वजह क्या होगी जी? वहां से मतलब पूछा गया ना, ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो पूछा गया कि जो मसीह ने तलाक की शर्त रखी है वो क्या है, वो ये जिना है, जिना है ना, आप अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ, ठीक है, मौला ने जिना की शर्त रखी है, लेकिन अब जिना की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए ना लोगों को। जी जी, जिना की डेफिनेशन ये है कि जिना बिल जबर भी होता है, बिल रजा भी होता है, मर्जी से भी होता है और जबर से भी होता है, ठीक है जी। कोई बंदा एक क्रिश्चियन कहता है कि मेरी बीवी ने जना किया, मैं इसलिए इसको तलाक दे रहा हूँ, भाई उसे तो बिल जबर पे तो वो दे नहीं सकता, अगर उसके साथ जबरदस्ती किसी ने रेप किया तो वो तलाक कैसे दे सकता है उसको, क्योंकि उसमें तो औरत का कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। आप समझ लें कि आधा जना तो निकल गया ना, पीछे रह गया जना बिल रजा जी, बिल रजा में साबित कौन करेगा, एक ईमानदार को क्या हुक्म है, मसीह ईमानदार को, ठीक है ना, साबित कौन कर, वो मौला मसीह ने खुद फरमाया, आपने योना की इंजील में अगर पढ़ा होगा, पहला पत्थर वो मारे जी जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो जब आप उस पे उंगली नहीं उठा सकते तो आप साबित करेंगे जना उसका, अपनी बीवी का कोई बंदा बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ठीक है ना, इसका मतलब है क्रिश्चियनिटी में तलाक है ही नहीं, कहा जरूर गया कि जिना की सूरत में, ठीक है ना, लेकिन जिना को जब आप डीपली जाओगे उसके उसकी कलाम के मुताबिक तहकीक करोगे तो आपको ये हक हासिल नहीं है कि जजमेंट करने का जी बिल्कुल ठीक, आपको ये हक हासिल नहीं है कि एक औरत के बारे में ये ऐसे करें, एक औरत को इस तरह कटहरे में लेके आए, एक औरत को जिस तरह यहूदी लाए थे, और फिर उसके बाद मौला की तालीम क्या है कि अपनी नजर कुर्बान गाह पे छोड़ दे और क्या कर ले, अपने भाई से सुलह कर ले, उसको माफ कर दे, माफी की कितनी दफा कहा है उन्होंने, 70 बार 70 बार हाँ जी, 7 का 70 बार है जी जी, तो ये 7 का 70 बार तो 490 बनता है ना जी जी, तो इसका क्या मतलब है, 490 का क्या मतलब है कि अगर 491 दफा करेगा तो फिर मैंने माफ नहीं करना, भाई इसका मतलब मुबालगा है, यानी कि आपने हमेशा माफ ही करना जी बिल्कुल ठीक है। पहले आप हमने स्टेटस देखना कि भाई हम लोग निजात याफ्ता भी हैं कि नहीं, या तो पादरी निजात याफ्ता नहीं है जी जी,
ठीक है, तो कलाम को इस तरह फतवों की तरह फिट करना मुनासिब नहीं है, उसकी तहकीक करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि औरत पे इल्ज़ाम लगा देना ये तो खुद इतनी बड़ी बात है कि पता नहीं उस बंदे की माफ़ी कैसे होगी। और चूंकि ये कानून की वजह से प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान की बात करने लगूंगा, कानून की वजह से प्रॉब्लम थी कि भाई जब तक आप जिना का इल्जाम ना लगाओ उसको जो है तलाक होती नहीं। तो सर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बहुत इल्जाम लगाना पड़ता था ना, झूठा इल्जाम लगाना पड़ता था कि जी ये औरत जानी है इसलिए मैंने इसको तलाक देनी है, और वो तलाक लेते थे और कानून उनका साथ देता था। यही हम जो है शोर मचाया था, ये बात गई थी हाई कोर्ट तक, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तक ये बात गई, तो वो सर पकड़ के बैठा था, सारे क्रिश्चियन उसमें शामिल हुए, और वो लोगों ने कहा कि भाई कम से कम औरत को तलाक का हक देना है तो बेशक दे दो, लेकिन ये जुल्म ना करो कि वो बेचारी जना का दाग लेके जाए। जी ठीक सर। तो ये बड़ी खास बात है कि देखने वाली के, और शादी तो अब दूर की बात है ना कि वो आगे शादी करेगी तो जना होगा तो ये होगा तो वो होगा, अभी तो इशू ये है कि उसकी तलाक कैसे हो। मौला मसीह ने कहा कि वो एक बदन है, वो एक जान है, वो एक रूह है, खुदा ने जब बनाया था उनको एक ही बनाया था जी, आदम के लिए एक ही हवा थी, दो हवा नहीं थी जी। तो जब मौला ने ये फरमाया उनको एक बदन करार दिया, तो जो सिस्टर ने आज आयत तिलावत की है कि इंसान कैसे उनको तलाक कर सकता, तो अगर सबर करेगा और दुख तकलीफ उठा रहे, मिसाल के तौर पर अगर हस्बैंड है उसने मसीह को कबूल कर लिया, बीवी की वजह से दुनियादार है उसकी बीवी, दुख उठा रहा है तो वो सबर करे मसीह की खातर जी। तो अगर बीवी ने कर लिया तो वो भी सबर करे, और उनका अजर है, उनके लिए ताज है खुदा की बादशाही में, उनके लिए बड़े एजाजात है। तो ये नहीं कि आप जो है वो बहाना मजहब का इस्तेमाल करें और आपका मकसद जो है वो किसी और के साथ जिंदगी गुजारना हो, मसीहत में ऐसा नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसी हरकत कर चुके हैं, तो मुझे आज अफसोस हो, ऐसा अफसोस हो रहा है मुझे कि जी 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 थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं, लोगों को कलाम सुनाते रहे, उनको समझाते रहे। जी कामरान भाई, हेलो कामरान साहब, अपना माइक ऑन म्यूट सर। हेलो जी, जी आ रही है जी। हाँ जय मसीह दी, आई लव यू जीसस, आई लव यू एक्स मुस्लिम, सब के सब भाई मैं बहुत लव करता हूँ, यकीन करें सब एक्स मुस्लिम, जितने भी बहन भाई हैं मैं उनको लव दिली, यकीन करें मैं दुआ करता हूँ आप सब के लिए दिली। मुझे कोई आपसे कुछ लेना देना तो होता है कि यार मैं इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ आपकी लाइफ का, तो यकीन करें बहुत दुख होता है, जिस जिसकी मैं हिस्ट्री सुनता हूँ उस हिस्ट्री को मैं जाके फिर अपने दिल से सोचता हूँ यार क्या होता होगा। खुदा ने हमें तो बनाया, जिस घर में बनाया अच्छा बनाया, मगर आपके साथ की क्या जुलम हो गया, आप अपने घर बार सब कुछ छोड़ के, यकीन करें मैं बहुत बास्टम अपसाइड होता हूँ। खैर खुदा आपके साथ हो, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमेशा मैं दिल से दुआ करता रहूँगा आपके लिए, ये मूवमेंट जो अब उठी है ये अपने बच्चों के सफर के लिए आपके साथ हो। थैंक यू सर, और एडम भाई अगर सुन रहे हैं, एडम भाई को खुशखबरी सुना कहना चाहता हूँ, आई लव यू एडम भाई भी, सही है, सबको सुनता रहता हूँ, सबके लिए दुआएं ढेर सारी मेरी। वो यहाँ मौजूद नहीं है एडम भाई, लेकिन आपका सलाम पहुँच जाए, आपका लव उन तक पहुँच जाएगा जी। थैंक यू कल, थैंक यू, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके सुलेमान भाई, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, आप लगता है आप जा रहे हैं। ओके थैंक यू जी। अजीम सागर साहब, आप सही कह रहे हो यार कि 470 बार तो माफ कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा माफ करना मसीह की निशानी, 470 तो वो फिक्र है ना, 70।
सात का सत्तर जो कितना बनता है, आपने 470 बनाया, कैसे बनाया? जी जी एडम साहब तो वो हुज्जतुल मुर्तदीन है ना जी। सिस्टर ग्लोरी आपको क्या टाइटल दिया जाएगा? मुझे तो मिल गया, पता चला आपको दो मैंने कल देखा था। मुझे टाइटल मिला खलीफातुल मुर्तदीन। अब ये तो हुज्जतुल मुर्तदीन ही बताएंगे कि मेरा क्या टाइटल है, वो ही बांटते हैं ना टाइटल। तो छोटी सी मुर्तद तो होना चाहिए कोई ना कोई। छोटी सी, अब वो उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, वो बताएंगे। मैंने ज्वाइन किया था सबसे लास्ट कॉलर में ही थी कल उनकी स्ट्रीम में जी। तो अच्छा, क्योंकि बड़ा रश था वहां पे। और ऑफिशियली जी इस्लामिक इंजीनियर स्ट्रीम से एडम भाई के 2 लाख जो हदफ पे मुबारकबाद। वैसे मैं जाती तौर पे तो दे आया था, लेकिन यहाँ से भी तो बनती है ना जी। बिल्कुल, तो इस चैनल की तरफ से, सारी टीम की तरफ से एडम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, मबरूक, मुबारक जी। और उनका गाना भी कल रिलीज हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा उनके चैनल पे जी। दोस्तों से गुजारिश है कि एडम भाई का जो गाना है मैं आदम हूँ, मैं आदम हूँ, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उसे ज्यादा से ज्यादा हिट करें, ताकि जो है ना ये आपकी सपोर्ट होगी। बहुत शुक्रिया जी। जी ये किधर गया भाई, अभी जुड़ा तो था एक भाई, किधर गया? हाँ जी चले गए हैं, फयाज भट्टी। भट्टी भाई आ जाए, वापस आ जाए। अच्छा पूरे 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे और 1 मिनट हो गया है स्ट्रीम को, तो बस थोड़ी देर और करते हैं फिर बंद कर देंगे मतलब। ओके जी, जो भी हमारे नॉन मुस्लिम हैं इस स्ट्रीम के साथ, उनसे गुजारिश है कि आपको इन मुसल्टों से डरने की जरूरत नहीं है। इनको कुरान पे, हजरत मोहम्मद की जात पे, जहां भी ये डिबेट करना चाहें हम हाजिर हैं और हम करने के लिए तैयार हैं। इनको पकड़ के, कान से पकड़ के लाएं, और जो है ना इनकी शरायत पे हम नहीं खेलेंगे। क्यों खेलें हम? 1400 साल से हम इनकी बातों के जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं ये कुरान का और हजरत मोहम्मद के आज जवाब देते? इनको मौत क्यों पड़ती है? तो आपको जहां कोई मसल्टा मिले उसको पकड़ के लेके आए। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, वो फिर यहाँ से मायूस होके जाएगा, उनको पर्सनल अटैक करेगा, ये भी तो इशू है। तो आप अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। उसे इधर लाएं, बस खुद ना करें, खुद कुछ नहीं करें, और डिस्क्लेमर दे दें आप ना करें। हाँ कि मैं तो नहीं जानता हूँ इतना इस तालीम को, तो आप इनसे बात कर लें जी। तो अब आप जो है ना, खास करके पाकिस्तानी मसीहियों से गुजारिश है कि आप थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि ये तो इनकी बस गैरत इतनी है, इनका ईमान इतना ही है कि ये आपको मार के खुश हो जाएंगे, इस्लाम का दफा कर देंगे। नहीं तो उसमें भी सवाब ही है ना जो ये मारेंगे। हाँ बिल्कुल सवाब है। तो कोई मोमन है जो हजरत मोहम्मद का दफा कर सके? कोई और मोमन सवाल पूछेगा कि मैं क्यों मसीहत में हूँ, मुसलमान क्यों नहीं हूँ, फिर मैं उसको जवाब दूं? आपने जो पिछले को जवाब दिया, आई थिंक वो सारों ने इससे इस्तफादा हासिल किया है। तो सब के लिए कवायद करता जी। अच्छा वो जो मैंने वो इब्तदाइया बनाया था ना जी, तो वो ना मैंने आदम भाई को भी सुनाया रात को, तो मैं फिर आपको भी सुना देता हूँ कि मैं उसकी जो है ना थोड़ा सा उसको लाना चाहता हूँ जी। ये कौन है? जी जी मैं बताता हूँ जी। जी भाई साहब। हेलो, सलाम सर जी। सलाम जी, आप क्रिश्चियन हैं? जी सर, शुक्र है खुदा का जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा अच्छा जी, फरमाएं जी, क्या कहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं आपको काफी महीनों से सुन रहा हूँ, और
आज से कुछ साल पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे आपकी एक वीडियो लगाई थी जिसमें आपने बताया था खुदा यूसुफ मसीह जो है वो तीसरे दिन जिंदा हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम किसी मौलाना जी के मुंह से ये अल्फाज सुन के मैं बहुत ज्यादा शौक हुआ था और मैंने इसको लगाया था और मैंने अपनी फैमिली में भी ये दिखाई थी कि ये देखें जी मुसलमान जो है इस बात का एतराफ कर रहे हैं। तो फिर रिसेंटली मैंने आपकी कुछ वीडियोस वगैरह और देखी। फर्स्ट ये था कि आपकी वॉइस जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है तो मेरे माइंड में एक इमेजिनेशन जो आपकी फोटो बनी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, लेकिन जब मैंने आपको रियल में आपकी वीडियोस जब देखनी शुरू की हैं तो मैंने वो फोटो जो मेरे माइंड में बनी थी बिल्कुल आप उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज थे। और अभी भी जब भी मैं आपकी वॉइस सुनता हूँ तो यकीन सर करें सर आपकी वॉइस बहुत ही सॉफ्ट, बहुत पोलाइट और बहुत मज़ेदार है। यार एडम सीकर साहब की वॉइस में सुनता हूँ, बेशक आप बुढ़े हैं लेकिन सर आपकी जो वॉइस है वो बहुत कमाल है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मजेदार वॉइस है आपकी। हैं? तो वो तो एडम की है यार, एडम की है, इंजीनियर की है, सिस्टर ग्लोरी की है, एडम साहिल भाई की है। नहीं 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 सर उनकी वॉइस है लेकिन आपकी वॉइस का एक अलग ही अंदाज है, अलग ही अट्रैक्टिव है। उसमें जो सॉफ्टनेस होते ना आपके बोलते वक्त जो आपकी सॉफ्टनेस होती है किसी को बात समझाते हुए वो वैसी सॉफ्टनेस एडम भाई के पास भी नहीं और वैसी सॉफ्टनेस साहिल भाई के पास भी नहीं है। और इस्लामिक इंजीनियर भाई को मैं तब से सुन रहा हूँ जब इन्होंने वीडियो कॉल पे वीडियो जब बनाते थे वॉल के पास खड़े होके इनकी वीडियोस बनाते थे काफी साल, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये आए थे तब से इनकी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उनकी डिबेट्स वगैरह मैं सुनता हूँ। और मजीद सर ये कि मैं ये कहना चाहूंगा मैंने आपसे व्हाट्सएप पर सॉरी कॉन्टेक्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि आपकी अपकमिंग वीडियो में अपकमिंग आपकी जो वीडियो है उसमें मैं हाजिरी जरूर दूंगा, आपको आपसे बात लाजमी करूंगा। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि सर आपके साथ बात हो इस चैनल के थ्रू। और सर एक बात और कि आपके चैनल पे जो लाइव व्यू हैं वो इस वक्त बहुत कम होते जा रहे हैं। जी सर, तो आपके जो लाइव स्ट्रीम व्यू हैं वो काफी सारे कम होते जा रहे हैं सर। कहां इस पे? बात मतलब आपकी जो ऑनलाइन स्ट्रीम हो रही है उस पे जो आपके व्यूज हैं वो इस वक्त भी 235 के करीब चल रहे हैं बस, जो आपको लाइव देख रहे हैं इस चैनल पे। असल में ना वो इंजीनियर भाई जो है ना काफी मसरूफ हैं, तो जी सर जैसे ही वो आते हैं इस पे थोड़ी सी तवज्जो देंगे, उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। ओके सर, गुड हो गया। और बाकी सर जो आप काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है, बहुत मजेदार काम है आपकी। बाडम भाई के साथ भी जो आपकी वीडियोस होती हैं 7-8 घंटे वाली जो होती है, मैक्सिमम जो 10 घंटे वाली भी होती है वो भी मैं रेगुलर सुनता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन ना सुन सकूँ तो ऑफलाइन फिर मैं बाद में उनको सुन रहा हूँ, साथ साथ काम कर रहा था। और एडम भाई ने जो मैसेज किया जी सर कल जब आप एडम भाई के साथ 200 के में थे तो मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया था। जी सर मैंने वो उधर ही था उस टाइम, मैंने वो सुना था पैगाम आपका। और एडम भाई का वो जो गाना है सर वो बहुत मजेदार उन्होंने गाना निकाला, जब उनका मैंने सिर्फ अभी थोड़ा सा जब उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जब वो गाना चलाते थे तो मुझे अच्छा लगता था थोड़ा थोड़ा जो था बिल्कुल स्टार्टिंग वाला भी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो पूरा गाना जो है ना वो रिलीज करें। उनका पूरा गाना आया सर, मैं कुकिंग कर रहा होता हूँ, खुद ही मैं कुकिंग करता हूँ तब मैं उनका गाना, जब कोई अच्छी डिश मेरी बनती है तो फिर मैं उनका वो गाना प्ले करके और उस पे मैं डांस करता हूँ कि डिश मेरी अच्छी बन गई है। चलो यार तो डिश हमें भेज दो, गाना आप रख लो, डिश हमें भेज दो सिस्टर ग्लोरी। तो सेलिब्रेट करते हैं, फिर वो सर साथ साथ में गा भी रहा था कि मैं एडम हूँ और साथ साथ में डिश एंजॉय कर रहा था। और बाकी सर ये कि जो भी इन्होंने ये जो मुस्लिम्स का एक्ट हमारी तरफ चल रहा है सर पाकिस्तान के अंदर, ये इसी तरह ये सर यहाँ के हालात जो है हमारी तरफ से बहुत बुरे हैं और ये कभी भी सर इस एक्ट को पास नहीं होने देंगे। ये 18 ईयर्स वाला तो ये जाने ही नहीं देंगे, अगर 18 ईयर्स वाला जाने देंगे तो सर इनके जो अपने मकासद है वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जितना मर्जी शोर मचा ले मिनोरिटी के पास हमेशा दबाई जाएगी और ये दबा देंगे। चल देखी जाएगी। प्रीत बताइए, हुसैन भाई आप ज्वाइन करें, हुसैन भाई मसीह में आपको सलाम। हुसैन भाई आज आप प्लीज ज्वाइन करें और आप अपनी टेस्टिमनी भी हमारे साथ शेयर करें। जी भाई प्लीज आप अजीम साहब जी, मसीह में आपकी सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको आपकी भी सलामती हो। सलाम भाई जी, सिस्टर कैसे हैं आप, ठीक है सब?
खुदावन का शुक्र है भाई, बहुत अच्छा लगा आज का अनुमान टॉपिक सुन के। मैं काफी दिनों से ये सुन रहा था, दुबांग अपना ये बयान था हमारे लीडर का, तो मुझे अच्छा लगा कि अल्लामा साहब ने इस पे बात की। और मैं चाहता हूँ सर कि एक गुजारिश है आपसे कि अजान पे किसी दिन कोई स्ट्रीम करें कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, और इसका इतना एहतराम क्यों वाजिब कर दिया गया, इसके हकायक जरा आप बयान करेंगे, स्ट्रीम करेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। ये किस कदर, जी जी, मेरे एक दोस्त है पास्टर साहब, और मुझे हर रोज कहते हैं अल्लामा साहब से बात करें, तो मैंने कहा चले मैं जरूर करूंगा उनसे। ठीक है जी, जरूर, फिर तो टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। असल में अजीम भाई इशू ये है कि जो है ना जमात अकबरी के चैनल पे भी दो स्ट्रीम्स होती हैं, मैं वो एडम भाई को भी विजिट करता हूँ, साहिल भाई को भी विजिट करता हूँ, ये जो अपना चैनल है इस्लामिक इंजीनियर वाला, इस पे भी देखना बहुत कम हो रही है, तो ये है कि फिर तो 24 घंटे ही बैठना पड़ेगा लगता है। एडम भाई की हिम्मत 10-12 घंटे बैठ लेते लंबी चलाते हैं। आपकी भी सारी हिम्मत को सलाम है, हम सलूट करते हैं। नहीं, उनकी हिम्मत को सलाम है भाई, एडम की हिम्मत को सलाम है। हुसैन भाई सत बिस्मिल्लाह जी आया नु, मसीह में आपको सलाम। हुसैन भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सोने हो कितने रह गए हो? आपको भी मसीह में सबको सलाम। जी जी बोले। हेलो यार हुसैन भाई, आपका माइक काम नहीं कर रहा सही, शायद कुछ डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अभी आई है जी, आ रही है आवाज। माइक पे शैतानी हमला हो गया हुसैन भाई के माइक पे। जी तो अजीम भाई, ये 470 कैसे आपने बनाया, हिसाब लगाया था? सर ये ना, ये हमारे एक टीचर है, तो उस वक्त हम छोटे ही थे, तो उन्होंने कहा था कि ये ठीक है 7 का 70, यानी इसको का जो है ना ये ज़रब की अलामत है, तो इस लिहाज से तो 7 का 7 7 49 490 बनता है यार। सॉरी, फिर लिखने में गल्ती होगी मुझसे टाइप करने में। कोई तो मुझे रहा था कि 470 का क्या मतलब है। नहीं, वो ना शायद 70 का था ना, तो का की जगह 90 की जगह 70 लिखा गया है। तो इस वजह से तो वो भाईजान की मैं बात से, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी तावील की इस बात की। तो जहाँ तक मैंने इस बात को पढ़ा है कि जो मसीह के तालीम के मुताबिक, तो जो लिखा है कि छोड़ी हुई से ब्याह करता है, तो उस वक्त लोग तलाक नहीं देते थे मूसा के दौर में, तो फिर मूसा ने उनको कहा था कि तलाक दे दो, क्योंकि वो उस वक्त छोड़ देते थे और निकाह से आजाद नहीं करते थे। तो उस वक्त जब कोई छोड़ी हुई से शादी करता था तो वो जना करता था, क्योंकि वो पहली निकाह से आजाद नहीं थी। तो ये भी हमें पढ़ाया गया और हमने पढ़ा था, यानी कि बताया नहीं। देखो ना, अब भी तो वो इशू हो सकता है ना कि जी एक क्रिश्चियन जो है वो छोड़ देता है और वो शादी कर लेती है आगे, और उसमें डिवोर्स नहीं होता, तलाक अलहदगी नहीं, ये तो अलहदगी होती है, तलाक होती। तो जब किसी की तो बदमाशी, जो बंदा मानता ही नहीं किसी को, तो वो तो जो मर्जी करे ना। जी जी, तो उस वक्त भी फिर मसीह ने भी आगे इस बात को यानी कि अकाउंट किया कि मूसा ने तो तुम्हारी सख्त दिली की वजह से तलाक का कहा, खुदा ने तो नहीं ऐसा कहा था। ये बात। अच्छा, कोई बंदा मुझे कह रहा था, कोई पादरी साहब कह रहे थे जी वो जो क्रिश्चियनिटी में तो शादियां भी हो सकती हैं, लोंडियां भी हो सकती हैं, तो मैंने कहा तो भाई क्रिश्चियनिटी में मौला मसीह ने तो ऐसी कोई तालीम नहीं दी, उन्होंने एक आदम और एक हवा की तालीम दी है, बाकी अगर जितनी बातें हैं वो सब झूठ। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हमारी एक मुस्लिम बहन है इधर, डेंटल सर्जन डॉक्टर है सियालकोट। बकर हुरीज ने मैसेज किया है कि बशारत भाई एंड ग्लोरी सिस्टर चर्च हुआ है। जी चर्च हुआ है, खुदावंद का शुक्र है। जी जी, और चर्च के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है जी।
तो मैं जो है बड़ा इस मामले में थोड़ा सा फंडामेंटल हूँ, जो चर्च नहीं जाते उनके बारे में, और चूंकि आपको पता है बैप्टिस्ट थोड़े सख्त होते हैं, तो हम कहते हैं कि चर्च से बच्चा औरत बूढ़ा जवान कोई भी मिस ना करे। तो हमारे सिस्टम में बच्चों की भी क्लास एक ही वक्त में चल रही होती है, ख्वातीन की भी चल रही होती है, बड़ों की भी चल रही होती है, यूथ की भी चल रही होती है। तो हम जो है हफ्ते में दो दिन इबादत करते हैं, संडे को सुबह और शाम, और बुध वाले दिन जो है ना शाम को। और यूथ जो है, यूथ हमारी जो है वो हर सैटरडे को उसके अलावा करती है। जबरदस्त। तो हम जो है चर्च को मौला मसीह की दुल्हन मानते हैं, कलीसिया को, और उसमें दोनों शामिल हैं, खानदान भी, फैमिली यूनिट भी, और कलीसियाई यूनिट भी। तो इसलिए लोकल चर्च में ना जाना इंतहाई खतरनाक बात है। ये इब्लीस का पहला वार है जो आपको चर्च से दूर करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको जो है मसीह से बहुत दूर ले जाता है। तो अपने चर्च को, अपनी बाइबल को मत छोड़ें, और चर्च आपका बाइबल बैप्टिस्ट बाइबल सेंटर्ड होना चाहिए चर्च आपका। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर आज संडे सर्विस में यही मैंने पैगाम दिया था कि चर्च जाना क्यों जरूरी है। तो इसमें काफी सारी बातें मैंने फिर बताई कि चर्च में जाना क्यों जरूरी है, चर्च हमें क्या सिखाता है, चर्च हमें खुदा से खुदा की पहचान देता है। तो इस सारे से जी मसीहत में सवाल आया, मसीहत में जी शराब हराम है और शराब किसी तौर पे भी जायज नहीं है। मौला मसीह ने ना शराब बनाई है, ना पिलाई है, ना कुछ, ना कहा। ये आप जो है किसी अच्छे पादरी से रابطہ करें, वो आपको समझा देगा। थैंक यू वेरी मच जी। बशारत भाई और बेटी ग्लोरी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है हुसैन भाई। जी 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 जी, जी खुदा उनकी बरकत हो हमारे स्ट्रीम पे। स्ट्रीम बहुत ही उमदा चल रही है आजकल, सब जमा हो रहे हैं, और मैं भी बिजी था। तो वो नहीं किया, शामिल होने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हम तो आपसे सीखते हैं ना बशारत भाई, आपकी मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आते हैं, लेकिन नॉलेज में तो आप ही ज्यादा हैं हमारे से। तो, क्योंकि आपके साथ ईमान में शामिल हैं, इसलिए मसरत होती है जी। और आज पता नहीं आप क्या स्ट्रीम है, मैं अभी आया, मैं भी कहीं गया था, बिजी था जी। अच्छा अच्छा हुसैन भाई, आपकी बड़ी खिदमत है, खुदावंद आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कभी आप नहीं भी ना जुड़ते तो हम आपको, मैं और सिस्टर ग्लोरी आपको याद करते रहते हैं, लेकिन ये मत समझे कि हम आपको भूल गए, हम आपको दुआओं में याद रखते हैं। और मुझे पता है कि आपकी मसरूफियत होती है, आपने तब वो इंजील बांटने के लिए भी जाना होता है। जी जी। तो मेरी सेहत भी थोड़ी सी खराब थी बेचारा। ओहो, खुदा आपको जल्द से जल्द करे और आप फिर जो है ना मैदान में कूद पड़े। हाँ नहीं नहीं, मैदान में तो हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता कूद जाता हूँ। जी जी, स्ट्रीट मिनिस्ट्री करता हूँ जी। तो बशारत भाई टाइम है तो मैं थोड़ी बता दूँ। सिस्टर ग्लोरी, किसी ने लिखा है कि उम्मुल मुर्तदीन। नहीं भाई, ये नहीं बनता है जालमो, ये सामिक इंजीनियर भाई ने लिखा। अच्छा जी, ये हम तो मुर्तदीन ही है ना, तो हमारे लिए जितने भी लोग लानत करेंगे उतनी बरकत मिलेगी ना हमको बशारत भाई। मैं तो आपको बिनते मुर्तदीन कहूं, लेकिन कह सकते हैं, वो मेरे लिए आजार है। इनके वालिद अभी भी मुसलमान हैं। अच्छा जी जी, इनके लिए कोई फिट नहीं हो रहा जी। नहीं बशारत भाई, देखिए जब तक आप खोज ना करेंगे, जब तक मुस्लिम्स न्यूट्रल नहीं होंगे, तब तक ईमान में आ नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने चॉइस दी है ना आपको भाई। तो आप इससे हटना ही नहीं चाहते इस्लाम से, तो फिर आप सीख कैसे सकेंगे। जब कोई बंदा पागलखाने में है, लेकिन उसका पागलपन चला गया, लेकिन वो पागलखाने से निकलना नहीं जो है चाहे, तो कैसे होगा बशारत भाई।
निकलने की कोशिश करे ना। सही, तो थोड़ी सी सुना दूं, मैं इससे पहले सुनाया था आपको, या कोई मुस्लिम्स हैं तो आप लें बशर्ते मेरी टेस्टिमनी तो नहीं। हुसैन भाई आपकी टेस्टिमनी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो है ना कल आए वो जमात अकबरी के चैनल पे, मेरे चैनल पे आपने आते ही सुनानी, अभी जो है ना अब वो अब जो टेम्पो लो हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आपकी ना पूरे जोबन सिस्टर ग्लोरी। जी भाई जैसे आप कहें बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना सही पूरी स्ट्रीम मिलनी चाहिए लाइव, तो अब तो अमेंड करने वाले हैं तो अच्छा नहीं है कि आप मगरू तो नहीं ना लाना है ना। लेकिन बशर्ते मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए जिनका जहन खुला है, इंडिया पाकिस्तान और जहां जहां के लोग है, तो वैसे जैसे पहले इंडिया सब एक था, इंडिया पाकिस्तान, उसी तरह से ये हम लोगों में मोहब्बत पैदा हो रही, तो मसीह जो है, मसीह की रूह जो है वो अनलिमिटेड है, हर एक से मोहब्बत पैदा करती है, और ये इस्लाम ही था जो हमारे मुल्क को टुकड़े किया और हमें बर्बाद किया, और सारी दुनिया को यही जो है बर्बाद करता है। हम तो बार बार बोल चुके हैं और बार बार बोलेंगे, अगर ये बंटवारा ना होता तो हम काफी तरक्की कर चुके होते। इस बदरू ने तो तबाही मचा के रखी, और मैं आपका 8-9 साल पहले का भी एक YouTube पे देखा हूं मैं स्ट्रीम, कौन से पास करते हो आज ही मेरा देखा, आप टाई कोर्ट में है किसी पाकिस्तानी चर्च में, जो डिबेट जिया उल मसीह से किसी मौलवी की डिबेट हुई, हाँ किसी मौलवी की डिबेट, मैं मॉडरेटर था, मैं मॉडरेटर था, मॉडरेटर थे, क्रिसमस की डिबेट थी, हाँ 9 साल पहले का कुछ आया तो मैं देखा, हाँ तकरीबन इतना ही, हाँ जी, तो वो भी बड़ी बहादुरी का काम है बशारत भाई। हाँ मेरे साथ लड़ पड़े थे सारे मौलवी, मेरे साथ लड़ पड़े थे कि तू पादरी की साइड ले रहा है, लेकिन खुदा ने आपको काफी हिम्मत दी बशारत भाई। जब बंदा भेड़ियों के बीच में भी आप रह के काम किया। मैंने अभी वो जो साहिल भाई के चैनल पे मैंने शेयर किया था, मैंने तो वो काफी, मैं अभी एक तस्वीर शेयर करूंगा कभी आपके साथ, मैंने तो बड़े बड़े मदरसों में जाके बाइबल देख के आया हूँ। जी 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 सही है, बेशक सही है। नहीं आप भी वो एक कैलिफोर्निया में वो टोनी भाई जो है ना वैसे ही हाँ, है आप भी बहुत दिलेर है, शेर वो बबल शेर है, वो भी बड़ा दिलेर बंदा यार टोनी भाई ना, हाँ। वो नाजरीन के साथ वो हाँ वो है, वो चैनल करते हैं ना बाइबल एंड, लेकिन कब कब करते वो पता नहीं है, लेकिन नाजरीन भाई भी आए थे ना एक बार, आपके साथ भी जुड़े थे। जी जी जुड़ते तो, हैं वो काफी होते हैं वो हमारे साथ टिकटॉक पे होते हैं वो। जी जी वो केरला के हैं, वो हमारे ही खरीब के स्टेट के, पता नहीं आप उनका नाम ना लें किधर के हैं। चलो हाँ अच्छा 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 जी 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 आप लीजिए किसी को बशारत भाई, खुदा उनकी बरकत हमारे साथ है, और बहुत बड़ी खुशी है जो हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, तो खुदा के का कलाम है हमारे चैनल का मकसद, और खुदा बढ़ा रहा है इसके लिए। अगर कोई नहीं है अपने छोटी उम्र में, भाई बत्तर उरी, ये आप सिस्टर वफा को क्यों कह रहे हो यार? नहीं किसी को भी बुरा कहने से पहले देखिए, खुदावन ने खुदावन की आवाज में इस तरह से सुना, जब मैं किसी को कुछ बुरा दिल में समझ रहा था तो खुदा ने मुझे मना किया। वफा आप मुझसे ले लें, मुझसे नंबर ले लें आप। जी तो मैं ये बता रहा था बशारत भाई, हम जब मुसलमान थे तो दूसरों पे उंगली उठाते थे, लेकिन खुदा की कुदरत, उसने हमें पसंद किया और ये मुझसे पूछा कि तू अपने आप को क्या समझता है, तो ये बहुत बड़ी खुदा ने मेरे साथ
बड़ी मेहरबानी की, बड़ी रहमत उसकी कि उसने उसने मुझे पूछा तू क्या समझता। तो मैं तो ये कहूंगा कि खुदावंद आप सारे मुसलमानों से इस तरह से बात करें, लेकिन मुझ जैसे नाअहल से खुदा ने इस तरह से बोला वो मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत हुई बशरत भाई। मैं बहुत खुश हुआ कि खुदा बाप जिस तरह से अपने बेटे को तंबी करता है उस तरह से खुदा ने मुझे तंबी की, और बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात। तो लेकिन ईमान थोड़ा सा होना चाहिए ना, सच्चाई का, कम से कम सच्चाई पे चलने की कोशिश करें तो भी खुदा तुम्हें ले लेगा ना भाई। तुम उसके तरफ आ ही नहीं रहे हो, तुम उसको मानते ही नहीं हो, तुम उसको गालियां देते हो ईमान वालों को, तो भाई क्या है, खुदा कैसे आएगा? तो हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो मोहब्बत वाला खुदा। खुदा फरमाता है कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, उनके हक में दुआ करो। तो ऐसी बात तो किसी किताब में नहीं है। जी जी बशरत भाई बोलिए। जी बस इतनी मेरी गुजारी ख्वाहिश है। जी जो जी बशरत भाई इस्लाम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, अपना जरा नेट सेट कर ले। हेलो आई आवाज? जी जी सिस्टर आपको आवाज आ रही? जी मुझे तो आ रही है जी, आ रही है तुषार भाई। या मेरे साथ इशू है या इनके साथ इशू है? नहीं आपके साथ है बशरत भाई। आप अपना कैमरा ऑफ कर दें जोशुआ भाई, कैमरा ऑफ करें आप अपना। अच्छा ठीक है प्लीज, ताकि आपकी आवाज बशरत भाई को भी सही से आए। थैंक यू सो मच जी, बात करें आप। जी बशरत भाई सलाम। हेलो जी जी सलाम जी, सलाम भाई जी, सिस्टर आप कैसे हैं? भाई को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बशारत भाई थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा, आई थिंक उनके नेटवर्क का इशू था, वापस आ गए। सर अब आपको आवाज आ रही है हमारी बशारत भाई? जी आ रही है। सर मैं तो बात करना चाहूंगा, ये कल परसों जो साहिल के चैनल पे आपने टेस्ट मनी दी थी सर, वो उस टेस्ट मनी ने कम से कम मुझे तो यहाँ पाकिस्तान को तो हला के रख दिया। आपकी टेस्ट मनी इतनी ज्यादा जबरदस्त है जी, आप तो पूरा पाकिस्तान हिल गया उससे, बड़े बड़े पत्थर दिल वो भी हिलना शुरू हो गए हैं। तो आप हम हमारी दुआ खुदा आपको कामयाब करे, जितनी मुश्किलात आपने देखी है, जितनी परेशानी आपने देखी है, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा और आपको ईमान को मजबूत करे, आप इन तमाम मुश्किलात से बालातर होकर ना खुदा के नाम को फजल मुबारक मुबारक दे रहे हैं। खुदा आपके साथ हमेशा रहे और ज्यादा कामयाब। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच। बड़ी बड़ी दुनिया को, बड़े बड़े पत्थर दिलों को आपने हिला कर रख दिया। और सब सुना? थैंक यू सर। ठीक है सर, मैं तो बस यही कहना था। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, स्ट्रीम खत्म करें हम फिर दुआ करें? जी सर, उससे पहले मैं हुसैन भाई आपकी अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये मामला जो है अब 2-3 हफ्ते से बहुत लटक गया। नहीं 2-3 हफ्ते नहीं, महीनों से लटक रहा है। हुसैन भाई का कब से पेंडिंग है गवाही? हाँ नहीं नहीं, मेरी गवाही भी वो असर करेगी, क्योंकि मेरी अपनी गवाही नहीं है, खुदा की गवाही है। लेकिन आप जो लोग कर रहे हैं ना, इंजील की जो मना दी है वो सबसे बड़ी गवाही है। उससे नीचे रहता हूँ ना मैं, तो वो पहले चले फिर मैं बाद में, उसको लाने के लिए मेरी गवाही काम करे तो वो ठीक है। अगर लेकिन आप आप सेव करते हैं महसूस, अभी टाइम है तो आप दे सकते हैं मतलब कल, और अगर नहीं है कंफर्टेबल तो इट्स फाइन। कल ट्यूसडे, कल मंडे अरे आज संडे, आज बीच में, जी 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 हाँ
हाँ बेटा मैं 8:30 बजे के बाद कल फ्री हो जाऊंगा, लेकिन परसों हम आपका इंतजार करेंगे, आपका इंतजार हम जरूर आपका इंतजार करेंगे जी। चलो सिस्टर जी फिर दुआ करेंगे। जी जी हुसैन भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ ओपनिंग। मैंने अच्छा ये कोई साथ हमाद फिर आ गए। ओके जनाब आप भागे थे तो अब नाजरा मैं नहीं भागा, आप भागे हैं, मैंने तो आपको बता दिया। हम अपनी स्ट्रीम से कैसे भाग सकते हैं हमाद भाई, आप बताएं हम अपनी स्ट्रीम से कैसे भाग सकते हैं, हम तो यहीं बैठे हैं, आप चले गए थे। तरीका गलत है आपका क्योंकि आप नहीं, हमारा तरीका बिल्कुल 100% सही है भैया। बात यह है कि आपको इशू क्या और आपने फिर मुझे लेफ्ट कर दिया, फिर स्टीम से नीचे कर दिया। नहीं आप तो फालतू बोल रहे थे ना, फालतू बोलने का तो फायदा ही नहीं है। आपने टॉपिक पे बोलना, मैंने कहा था आप कुरान पे दलील देनी है तो दे दे। आप कर रहे हैं, आप इस टाइम यानी कि फ्रंट मैन बने हुए हैं अपने, तो आप डिबेट करें। डिबेट हाँ हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ करें डिबेट कुरान पे। मुस्लिम से डिबेट करता हूँ और एथियस्ट से करता हूँ, मगर भाई करें ना कुरान पे करें डिबेट। मैं तो तरीके से ही करता हूँ। आप पहले एक्स मुस्लिम है जो आप बंदे को लेफ्ट ही कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, माइक म्यूट कर देते हैं। जब हम फजूल बहस करने के लिए नहीं ना बैठे, वो तो आपको गालियां भी दे लेते हैं ना। नहीं नहीं आपने भी थोड़ा भी किया है हरकत, आपने थोड़ी गलत बातें की हैं। आप गलत बात नहीं की, आप ये बताएं कि करें चलें भाई। मैं अब भाई आप मुसलमान नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो। नहीं अब आप इस पर करो, आप मुझे बताओ मुसलमान हो या नहीं हो भाई। मेरा सवाल है आपसे, आप मुझ पर सवाल कर रहे हो, आप तो ये मौलवी वाला। हां मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, मुसलमान हो? देखें आप मौलवी वाला काम ना करें आप। यार मुसलमान हो या नहीं हो ये मैं कोई रॉकेट से पूछ लिया आपसे। अजीब बात है, मुसलमान नहीं हो तो मैं मुसलमान हूँ तो आपके पास आए हो ना भाई। मैं कह रहा हूँ मुसलमान हो ना, मुसलमान हो ना तो ठीक है, फिर कुरान को साबित करो। ये बताएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपका भाई ईमान मैं है जो पूछ रहा हूँ कि आप कुरान को सच्ची किताब साबित करोगे या नहीं। आप यार वही बात, फिर आप मुझ पर सवाल करते हैं, मौलवी वाली बातें ना करें। मैं जो सवाल करूँ आपसे, आई थिंक आप मेरा सवाल नहीं समझ आया आपको। एज भी मुझसे ज्यादा होगी, अंकल हैं आप हमारे भाई अंकल। कोई बात नहीं अंकल, कह लो जो मर्जी कह लो, लेकिन बात या कुरान का जवाब तो तुमने देना ना। देखो ना तुमने दाढ़ी रखी है यार, सलवार भी टखनों से ऊंची की है, क्यों? अंकल आपसे ये बात करनी है कि आप ईसा आज समझ आई कि नहीं, आपने बेटा बनाया हुआ इस पर आप रेफरेंस दे। भाई भाई हम क्या बेटे का रेफरेंस दे दो इंजील में से? नहीं अंकल मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपना ईमान जो बनाया हुआ है इत्तेकाद। अच्छा आप कह रहे हो कि जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटे का रेफरेंस दे दे, यही सिस्टर ग्लोरी इन्होंने बोला ना? जी ऐसा ही बोला है उन्होंने। मैं वो रेफरेंस दूंगा इंजील में से, ठीक है ना? आपने साबित करना है कि मोहम्मद जो है वो अब्दुल्ला का बेटा, कुरान से साबित करना है। मोहम्मद को भी तो अब्दुल्ला का बेटा साबित करो ना। गुड वन गुड वन। इंजील में से मैं मसीह को खुदा का बेटा साबित करता हूँ, आपने कुरान में से मोहम्मद को जो है अब्दुल्ला का बेटा साबित करना है। आपने कुरान से साबित करना है ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कुरान से, चलें करें भाई। मैं तुम तुम्हारे कानों की सुनवाई होने वाली है, तुम्हारे कानों की सुनवाई होने वाली है। मैं आ रहा हुआ हूँ, ठीक है? मैं इंजील से साबित करता हूँ कि मौला मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं। तुमने खुदा का बेटा नहीं साबित करना, सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा साबित करना कुरान से मोहम्मद को। अगर तुम साबित कर दो कुरान से कि मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा है तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा। अभी इस्लाम कबूल कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर अगर मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा साबित हो गया, यार इसको नीचे गिराओ, क्यों इसको बार बार ले रहे हो? अगर मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा साबित हो, ये सुन नहीं रहा है, इसको थोड़ा बैकस्टेज करें, ये बोली जाएगा, इसको बैकस्टेज करें, ये एडमिन प्लीज। मोहम्मद को तो हलाल का साबित कर दो, हलाल का साबित करो, हलाल का। ये अपनी आवाज सुनेगा कि वो जो है प्रूव दैट मोहम्मद वाज द सन ऑफ अब्दुल्ला। देखिए ये तो भागने वाली
यानी कि मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे नहीं, आप अब्दुल्ला का बेटा है या नहीं, अब्दुल्ला का बेटा है या नहीं है बताएं, कुरान में से साबित कर दें। आप भाग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप साबित ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब आपको डर लग गया है। आप सुन रहे हैं अब्दुल्ला के बेटे, वो चार साल बाद पैदा हुए हैं अब्दुल्ला के, अब्दुल्ला के चार साल बाद पैदा हुए, उनके बेटे नहीं है। चार साल की कमेटी डाली यार, छोड़ दो कितने, वो तो मैं बाद में साबित करूंगा ना, कितने साल, कितने दिन, कितने दिहाड़े, कितने घंटे, कितने सेकंड। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मसीह की पड़ी हुई है कि वो खुदा का बेटा, और मोहम्मद का तो गौर करो, वो अब्दुल्ला का नहीं है। बेवकूफो कहां भाग रहे हो सिस्टर जी, आप पॉइंट समझी है ना? मैं बिल्कुल समझी हूँ भाई, मसीह की तुम्हें फिक्र पड़ी हुई है, जाहिलो पहले रसूल को तो संभालो, आप मोहम्मद को तो साबित करो कि कम से कम वो अब्दुल्ला का ही साबित हो जाए। अल्लाह का तो दूर की बात है, अल्लाह का तो दूर की बात है। नहीं बशारत भाई, सबसे पहले अपने घर की गंदगी साफ करना, फिर दूसरे के घर को देखना। अब अपने घर में इतना गंदा रख के दूसरे के घर को बोलते हैं लोग, अपना हलाल हराम में देख रहे हैं, साबित ही नहीं कर पा रहे हैं, भागते हैं उल्टे पांव। नहीं इनको हराम मालूम ना हलाल मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी पता नहीं है। बड़े आते हैं बाइबल को, मेरा मुसलमानों को चैलेंज है, सारे मुफ्तियों को, कि वो कुरान को सच्ची किताब साबित कर दे। नंबर दो, वो मोहम्मद को अब्दुल्ला का बेटा कुरान से साबित कर दे। लो जी और दसो, दो चैलेंज हो। और एक बात बशारत भाई, कुरान के खुद अल्फाज है ना, अगर इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो तो ये खुदा का कलाम ही नहीं है, तो ये तो इसकी सारी आयत जो है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है जी। ये अपनी कुरान को पहले समझना। अरे हम जैसे जाहिल जो ना मदरसे को गए ना कुछ गए, फिर भी हमने इतना सब समझ लिया, तो फिर ये लोग तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना बशारत भाई, मुझे अरबी ठीक से पढ़नी नहीं आती। हुसैन भाई नहीं कहे आप ऐसे कि आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे, इन्होंने क्या अरबी पढ़ के क्या तीर मार लिया है, अरबी तो इनसे पढ़ी नहीं गई। वो लड़की जो थी हलवा लिख के वो बाजार में घूम रही थी, और यही जो अरबी ये जो सो कॉल्ड मौलवी है मस्जिद से निकल के उस पर फतवा लगा रहे थे कि कुरानी आयात है, इतनी तो उनको अरबी पढ़नी आती है भाई, कैसी बात कर रहे हैं हुसैन भाई आप। और दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ियां और टखनों से ऊपर शलवारें थी, जो मर्द उसके पीछे पड़ गए बाजार में, ये वो कौन है? नहीं बेटी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम जैसे जाहिल लोग समझ गए, तुम जैसे दाढ़ी वाले आलिम लोग जो है समझ के भी तुम लोग। भाई आप अपने आप को जाहिल नहीं कहें, क्योंकि आप जो है वो खुदा के फर्जंद है, आप रोशनी में आए हैं, आप नूर में आए हैं, आपने पढ़ा है सब कुछ, तो आप कैसे अपने आप को ये वर्ड यूज नहीं कर सकते आप अपने लिए, प्लीज। नहीं कुरान से, कुरान से हम जाहिल, कुरान उतनी पढ़े नहीं है, लेकिन जैसे ही बाइबिल में आए तो उसके दीवाने हो गए। लेकिन मुसलमान होने के नाते रहमान साहब, रहमान गिल साहब, ओए होए उत्ते रात दी जात, थल्ले गिलां दी जात। हां जी सर जी, सलाम यार, बड़ा औखा सलाम कीता है, की गल है सर जी? मैं इतना ओ थोड़ा बोलने में डकता हूँ इसलिए। अच्छा, बोलने जी, सॉरी ब्रदर जी, जी बोलने में डकता हूँ इसलिए जी। देखिए रहमान भाई, आप कॉन्फिडेंस से बोलिए, मैं खुद भी हकला था, बहुत हकला था, लेकिन आप कॉन्फिडेंस करेंगे ना, आप खुदा से दुआ करेंगे, वो आपकी जबान साफ कर दे, आपकी जबान साफ कर देगा खुदा जी। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मैं कोई दूसरा चैनल देख रहा था कि उस पे ना कोई स्कॉलर है, वो बात कर रहा था इस्लाम के बारे में, तो अभी वो बात कर रहा है, अगर आप में से कोई जाना चाहे, उनसे कोई बात करना चाहे, तो हम भी देखना चाहेंगे क्या बात होती है। कौन बात, प्यासा कुएं के पास आता है, वो जो हमारे पास आए
हम जो क्यों हुसैन भाई मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी सब सबसे पहले जो मसीह में सबको सलामती हो और रहमान साहब जो हैं आप जो है विशाल भाई की स्ट्रीम पे आके इनको मशवरा दे रहे हैं, आप यही मशवरा उनको क्यों नहीं जाके देते? हाँ मैं उन तो वो जाना चाह रहा था लेकिन उनका स्टूडियो अरे आप पहली फुर्सत में जाए और उनको लेके आए, इतने दिन बुरे नहीं आए कि दूसरों के जो ना चैनलों पे जाके ये बात करेंगे, ये आलम बंदे हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ओपन स्ट्रीम करते हैं, जिसको आना यहाँ आके बात करें। और वैसे भी बहुत चैलेंज फेंके हुए हैं, वीडियो के ऊपर भी कोई जवाब दे सकता है लेकिन इतनी किस्मत तपड़ नहीं अभी तक कोई इनके सवालों का जवाब। वो सर आते ही नहीं, मैं तो बशारत भाई जो है नहीं तो आपके इस तरह आप ऐसी बात करें जो रीजनेबल है। जी जी खुदावंत का जो आब हयात का जो कुआं है उसका पता मालूम है बशारत भाई को, जी हमारे पास आए हैं, हम जो कुआं बताएंगे उनको। हुसैन भाई मैं माफी चाहता हूँ, एक सेकंड आप एक सेकंड आप मुस्लिम है या क्रिश्चियन है मुझे ये पहले बताएं, आपसे फिर बात करता हूँ। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ। नहीं नहीं हुसैन भाई आप हुसैन भाई आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रहमान की बात कर रहा हूँ। मैं तो यार क्रिश्चियन हो, तुम्हारे अंदर एक थोड़ी सी भी बुद्धि है उसी में सब कुछ, थोड़ा सा दिन को इस्तेमाल करो, आप बात क्या कर रहे हो? जी जी मैं बात कर रहा हूं लेकिन नहीं नहीं आप उल्टा सीधा मशवरा देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि यार इनको बात करनी चाहिए तो ये तो ओपन स्ट्रीम कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ भाई, आपके इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे जो सर वो आते नहीं है वो भाग जाते हैं, वो तो फिर इनको जाने की जरूरत नहीं है ना भाई, ये तो ऑलरेडी लाइव बैठे हुए हैं, आप इस तरह की उठपटांग बातें क्यों कर रहे हैं? आप बल्कि लबो लहजे से तो समझदार में चोर आदमी लग रहे हैं। जी जी तो आप इस तरह की बात मत करें जो मतलब के किसी की तोहीन के बराबर हो, लिहाजा बिशारत भाई इतने को गैप नहीं, नहीं है कि वो जाते फिर किसी से बात करें। नहीं जी नहीं हम भाई ऐसा सोच नहीं सकते। हाँ अब मैं आपको एक ओपनली बात सुनाता हूँ, मेरे बहुत सारे बहन भाई सुन रहे होंगे मुस्लिम भी और दूसरे भी, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो है इस्लाम इस वक्त जो है खतरे में है, तो भाई किसी के अंदर अगर तलीमी काबिलियत है तो वो आए इन सवालों का जवाब दे। जी जी बिल्कुल मसीहत दो मसीहत जो है एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दे, मसीहत 2000 साल से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रही है और बड़ी बहादुरी के साथ खड़ी हुई है, ना किसी ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया मसीहत ने और ना मसीहत के मानने वालों ने किसी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं और लोगों के सवाल को जवाब भी देते हैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक, लेकिन जब इस्लाम के ऊपर बुरा दौर आया तो किसी में इतनी समझ बूझ नहीं कि वो आगे को मुकाबला कर सके। जी हाँ बहुत बड़ा फर्क है यार। जी हाँ बिल्कुल अभी एक जाहिल आदमी आया हुआ था, क्या नाम है उसका, माजरा चाहता हूँ विशाल भाई, ये कौन था ये बेवकूफ आके जी आप हार चुके हैं आप ये कर चुके हैं, वो अजीब सा जिसको कोई लेता नहीं है जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है वो इधर आके वो डिबेट जीत करने की बात करता है, जिनके घर पे नहीं सुनी जाती वो इधर आके डिबेट करते हैं। वो कह रहा था मैं जीत गया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। ऐसे लोगों को बीवी टाइम पे खाना नहीं देती घरों में और ये आके जीतते फिर यार। रियाज भाई देखे बात तो आप थोड़ी देर माइक बंद कर दो थोड़ी देर, शुक्रिया। बहुत ही सेंसलेस लोग हैं ये, बहुत सेंस लोग हैं, सिर्फ अपनी गंदगी छुपाने के लिए बाइबल के ऊपर उंगलियां उठाते हैं भाई। 2000 साल से तो आप 1400 साल से तो बाइबल का कुछ बिगाड़ नहीं सके वो बाइबल आज भी। क्रिश्चियनिटी जो है ना हजारों साल से जो है ना फेस कर रही है नशेब अफराद हर तरह के, ठीक है जी, उसे तो कोई खतरा नहीं, ना कोई फौज बनाई ना कोई तलवार उठाई ना कोई जंग जरूरत नहीं पड़ी। हाँ सच्चाई को देखो, सच्चाई के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, सच्चाई को किसी से खतरा नहीं होता, खतरा होता तो झूठ को होता है। कानून साजी करती है, आईन बनाना पड़ता है,
कि यार इसकी इज्जत खतरे में, इसकी इज्जत में। जी बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रीम के मौजू के हिसाब से थोड़ा सा इजाफा करता चलूं। मुझे इंतहाई तकलीफ हुई जब हमारे सिंध असेंबली के जो स्पीकर मुकर्रर हुए हैं, ये जो मेरे पास ही रहते हैं, ये डिप्टी स्पीकर जी जी, नहीं नहीं असेंबली के स्पीकर जो हुए हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं सर, सिंध असेंबली के स्पीकर है, वो भी हमारे क्रिश्चियन है। नवीद एंथनी की बात कर रहे हैं जी जी, नवीद एंथनी की बात कर, स्पीकर तो डिप्टी स्पीकर हुए हैं। हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मेरे शायद मेरे मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन मैंने उनका हल्फनामा जो ना वो सुना जब वो हल्फ उठा रहे थे, यकीन माने एक टके का आदमी नहीं है, नकम्मा आदमी, बेकार आदमी मेरे करीब रहता है, बेकार आदमी, सिर्फ सीट के भूखे, झूठी इज्जत के भूखे हैं ये लोग। और उसका आप हल्फ उठाते हुए उसको देखें, उसमें वो आपको लगेगा नहीं यार ये नाम से क्रिश्चियन है, इसने क्रिश्चियन वाला हल्फ कौन सा उठाया, और उसमें वो तहफ्फुज़े इस्लाम की कसम खा रहा है जी मैं जी इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए कुछ भी करूंगा, तेरे अपने लाले पड़े हुए तेरे लोगों के, तू इधर ये 22-24 करोड़ लोग कम है इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, जो तू भी वही हल्फ उठा रहा है। आप वो कभी इसका हल्फनामा सुने जब इससे हल्फ लिया जा रहा है, यकीन माने आप कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये बेवकूफ बनाते हैं ये लोग असेंबलियों में जाके जो झूठी इज्जतें लेने के लिए, कुर्सियां लेने के लिए जाके पीपल्स पार्टी की चापलूसियां करते हैं ये लोग, ये अपने लोगों को धोखा देने की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी की बात नहीं, बात ये है कि आपने हलफ ही वही उठाना है, चाहे कौमी असेंबली के मेंबर बने, सुबाई के बने, ठीक है ना। तो सर मैं समझता हूँ ऐसे हलफनामे से लानत, ऐसी इज्जत पे, ऐसी सीट पे ऊपर लानत भेजे बंदा जिसकी बुनियाद झूठ पे खड़ी हुई है, हमें तो ऐसा हलफ उठाने की जरूरत ही नहीं है ना। हर एक चीज के आगे हमारे जो है ना बैरियर खड़ा किया हुआ, हर काम के आगे हमारे बैरियर खड़ा हुआ, हमें तो दीवार के साथ लगाया हुआ है। ये जो इन्होंने बनाया, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया है, ये जो जहां जहां भी हमें छोटी मोटी पोस्टें मिलती हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अगर ये इतने हमारे सगे होते तो सिंगा साहब को मुल्क बनने के थोड़े दिनों बाद ये उतार क्यों देते, वो तो असेंबली के स्पीकर थे ना। सारी गलती सिंगा साहब की है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि सिंगा साहब की गलती है जी। थैंक यू जेडी, उनको जरा सा भी अंदाजा होता कि ये साहब जानते हो आप, आपकी जज्बात जी जी, मैं म्यूट कर, थैंक यू, मैं आप जी कंटिन्यू करें, मैं हां जी मैं साथ हूं आपके, थैंक यू जी। रिया साहब, शर्त भाई, रिया साहब जी जी, वेलकम जी जी जी, वेलकम वेलकम जी, थैंक यू जी, थैंक यू बशर्त भाई, शुक्रिया आपका स्ट्रीम में लेने के लिए। मैं बशर्त भाई, हुसैन भाई को, सिस्टर ग्लोरी को सलाम करता हूँ जी, थैंक यू, सलाम। आवाज आ रही मेरी, आवाज मेरी आ रही, आवाज आ रही, आवाज आप बात करें। अच्छा अच्छा आवाज आ रही है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि बशारत मुगल की तरफ से, मैं जो ना मेरी जो ना शॉप थी मुसलमानों में ये बाजार के अंदर ही, तो मुझे ना एक मौलवी बहुत तंग करता था, सलाम कबूल कर लो, सलाम कबूल कर लो। तो जब से मैं आपकी ये स्ट्रीम सुनना शुरू हुआ ना, तो मुझे समझ लग गई है कि उनको थोड़ा थोड़ा ना तरीके से कैसे जवाब देना। अब वो मैं जैसे आप बताते हैं ना, तो मैं उनको एक सवाल करता हूँ ना, तो वो परेशान थोड़ा सा हो जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो अपने ख्याल से, ये मेरी शॉप है ये देखे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मैं नहीं, वैसे वो बड़े तरीके से मैं उनको जवाब देता हूँ ना, सवाल थोड़ा सा करता हूँ, तो वो परेशान हो जाते हैं थोड़े से, तो कहते हैं कि तू ये सवाल किधर से लेके आया, तू किधर से ये तूने पढ़ा है। मैंने कहा बस वो पढ़ा है, मैंने कुरान पाक से पढ़ा है जी। मैं थोड़ी सी तो ऐसे ही आप चलाते रहे, लोगों को साथ देते। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज जी जी आ रही है। ये मेरा भाई जो है
क्या नाम है बेटा आपका, आप जो शॉप की बात कर रहे हो? अभी तो भाई की आवाज नहीं आ रही, बाइक की आवाज आ रही। हेलो, ठीक है रियाज भाई, आप अपनी दुकान संभाले। हाँ, नहीं रियाज भाई आपकी आवाज, हाँ आप म्यूट करें, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। छोटी सी बात, मैंने विशाल भाई से जो ना थोड़ा सा टाइम लिया है, उनकी मेहरबानी, वो मौका देते हैं हमें बात करने का। आप म्यूट करें जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैं भी बिल्कुल इसी तरह इसी मुल्क में रहता हूँ और हमें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, और खुदा उनका शुक्र है कि अब खुदा ने अपने बेटों को खड़ा किया है, वो बहुत सा नॉलेज जो है वो अपने लोगों को दे रहे हैं ताकि कभी भी उन्हें इस किस्म का सामना करना पड़े तो वो सवाल करें। और जब वो कोई आपसे पूछता ना ये कहाँ से ले रहे हैं, तो मेरे भाई आप उनको ये मोबाइल दिखाएं कि इस मोबाइल के अंदर दुनिया जहान का इल्म है, आपके कुरान की हदीसों की तारीख की हर तरह की बीच में स्टडी यहीं से मिल जाती है। तो आप उनसे बहुत ही सुलझे हुए तरीके से सवाल करें, सवाल करें बस, और नहायत ही मुनासिब अल्फाज में, गिने चुने अल्फाज में, जिसमें उनको तोहीन भी महसूस ना हो और आपका सवाल भी वहां पे रखा जाए। तो मैं बताते खुद इस किस्म का आदमी हूँ, मैं सवाल करने से बाज नहीं आता हूँ और मैं कभी ये भी नहीं करता हूँ कि किसी के दिल आजारी हो। सवाल करना हमारा हक होता है, लेकिन रीजनेबल तरीके से, और कभी इस चीज को लेकर डरने की भी जरूरत नहीं है। डरता वो है जो गलत काम करता है। अपने काम को बेहतर तरीके से करें, सवाल करें बहुत ही बल्कि मुनासिब अल्फाज के अंदर रहते हुए, तो ये लोग जो ना भाग जाएंगे, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है ना कि इब्लीस भाग जाएगा तुमसे, तो ये भी भागेंगे, बल्कि हो सकता है इनको भी सोचने का मौका मिले कि यार इस पे तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। आपका सवाल हो सकता है उनके लिए भी जो बरकत का बायस बन जाए, तो सवाल करें। तो जी बिशारत भाई आप कंटिन्यू करें। जी शुक्रिया जी, मैंने यही बात करनी थी भाई। एक और भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जी भाई जी, भाई जी के नाम से। जी जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आवाज आ रही है अभी आई जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलें जी। हेलो, हाँ जी बोलें, आपको आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया। एक बात शरद भाई, मैं बोलना चाहूंगा, अब जैसा कि जेडी भाई बता रहे थे, अब मैं भी अपने घर में 27 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे घर वाले सुनते नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा कि इनके आंखों पर शैतान ने पट्टी बांध दी। तो जब तक ये खुद ना उतारेंगे उसकी पट्टी को, ये कैसे समझेंगे बशारत भाई? जी जी बोलिए। जी सही कह रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है, एक तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के ऊपर ज्यादा डिप्रेशन है और इनसे बहुत मामूली काम लिए जाते हैं और इनकी इज्जत बिल्कुल घटा दी गई है, तो ये एक डिप्रेशन है इनके पास जब ये लोग बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ। एक और दूसरी बात जो है, ये खुद भी बाइबल से कनेक्टेड नहीं है, जैसा कि आपने अभी कहा ना कि अगर कोई चर्च से कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो खुदावंद में नहीं है, और वो भी उनको सही चर्च मिलना चाहिए, ऐसे चर्च जो नाच गाना बस ठीठी ठाटा वाले चर्चों को भी समझ की तौफीक होना। जी जी बशरत भाई, सॉरी। जी 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 हुसैन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पिछले 75 इयर्स में जब से पाकिस्तान बना है, इनकी सियासत मुल्क की तरक्की में नहीं हुई, इन्होंने सियासत ये की है कि कश्मीर के मामला में कैसे उंगली करनी है, किसी दूसरे के मामले में कैसे उंगली करनी है, टांग कैसे अड़ानी है, मिनोरिटीज को कैसे कोने खांचे में लगाना है, इनकी इज्जतों के साथ कैसे खेलना है, इनको मतलब कि उस हद तक कैसे लेके जाना है कि ये हमारे सामने घुटने टेके। अच्छा, ये दूसरों का बेड़ा गर्क करते करते अपना बेड़ा गर्क करके बैठ गए, तो इनकी सियासत यहाँ से घूम के यहीं पर खत्म हो गई। तो खैर, क्रिश्चियनों की इसमें खुद की भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं,
इससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिश्चियन खुद गलत नहीं है। क्रिश्चियन बहुत ज्यादा बेकार दिमाग के लोग हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के तो क्रिश्चियन दिमाग से मरे हुए लोग हैं। जो मिनिस्ट्रियां खड़ी करके बैठ गए वो इस काबिल नहीं है कि वो मिनिस्ट्रियां चलाएं। उन्होंने सिर्फ जो है बाहर के गोरों को लूटने के लिए मिनिस्ट्रियां खड़ी की हैं, और जो इस काबिल हैं, जो सच्चे दिल से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनकी बेचारों की पहचान उस हद तक नहीं है। उनको अंदर क्योंकि दो नंबर ही नहीं है ना, तो वो उस लेवल पे उस सतह पे आ नहीं सके, और जो आए हैं वो दो नंबर रास्तों से आए हैं। तो फिर ये लॉस तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को होना था, मसीहत को तो खैर कोई लॉस नहीं हो सकता, ये इंफरादी सतह पे क्रिश्चियन कम्युनिटी को लॉस है, लोगों को लॉस है। तो ये बात सच है जो आप कह रहे हैं, आई एग्री फुली एग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ भी इंडिया में भी बशारत भाई, मैं जब बड़े बड़े चर्च में गया तो वहां पूरे गोरे जो है फिर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हो, और हम जिस चर्च में जाते हैं वहां आज तक कोई जो गोरा नहीं आया एक साल में, और ना ही ये लोग किसी से फंडिंग करते हैं। तो ये चर्च के पादरी जो है वही दूसरे चर्चेज के खिलाफ तो ना शुरू हो जाए, कोई बात नहीं, करने दो जो करते हैं, आप खिदमत करते रहे, खुदावंद आपको बरकत दे। पूरे नहीं बशारत भाई, बहुत सारे, तो इसलिए कल आपने अपने अपने चर्च का तारफ भी करवाना है, कल आपने अपनी खिदमत सारी शेयर करनी है स्ट्रीम, ठीक है ना? थैंक यू जी सिस्टर ग्लोरी, दुआ करें फिर खत्म करें, मुझे वो जाना है कहीं और भी। इजाजत है सिस्टर जी, इजाजत है, आपको आवाज आ रही है मेरी? सिस्टर ग्लोरी की आवाज नहीं आ रही। जी जी उनकी आवाज नहीं। बिशारत भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी चर्चेस के बारे में या खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ बिशारत भाई, मैं नहीं सर, हमारी क्या जरूरत कि हम खुदा के घर और खुदा के अजीम खात्मों के बारे में कोई बात करें। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भेड़ों के भेस में भेड़िए घुसे हुए हैं। खुदा के सच्चे खात्मों की हमें हमें हमारी क्या जरूरत कि हम उन अजीम लोगों की बात करें या उनके के नाम को बुरा भला कहें। खुदा का कलाम हमें सख्ती से मना कर, नहीं आप में से किसी ने नहीं, लेकिन चलो जटी भाई फिर आप ही दुआ कर दें, हम जी सर को बंद करें। सिस्टर ग्लोरी ड्रॉप हो गई है, सॉरी। खुदा उन लश्करों के खुदा आसमान जमीन के खालिक और मालिक मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदा मुझे इस खूबसूरत महफिल के लिए जो तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरे बेटों ने सजाई है। मेहरबान खुदा मुझे इनके लिए कसरत की बरकत मांगता हूँ, इनके घरानों को, इनकी जिंदगियों को तो अपने हाथों में ले और हर तरह की मेहरबान खुदा मुझे बरकतों से मालामाल कर दे। कलाम की रूह इनके पर उंडेल दे मेहरबान खुदा मुझे, तेरा आसमान खुला रहे और तेरे बेटे और बेटियां मेहरबान खुदा मुझे सरफराजी को पाए, बरकतों को पाए, मालामाल हों, और जो आंखें अभी तक मेहरबान खुदा मुझे बंद हैं उनको अपने कलाम के नूर से मुनव्वर कर दे, ताकि वो तुझे जाने और नजात पा लेने वाले हों, तेरे बेटे यीशु नाम को पहचानने वाले, तुझे जानने वाले, तेरे कलाम को जानने वाले हों, और खुदावंद जो जगह तूने अपने लोगों के लिए तैयार किया है उसमें दाखिल होने वाले हों। अब मैं बिशारत भाई, हुसैन भाई, बेटी ग्लोरी के लिए और स्ट्रीम से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, एक एक जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुल्क पाकिस्तान में तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो हर एक जान के मेहरबान खुदावंद जुम्मा ले खुदावंद, क्योंकि तूने अपने लोगों के लिए अपने बेटे का खून बहाया यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेहरबान खुदावंद इस रूए जमीन पर बसने वाले हर एक जिंदगी पर अपना रहम अपना फजल कर, और प्लीज शर्मिंदा हो और मेहरबान खुदावंद नेस्त हो और तेरा नाम सरबुलंद हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता हूँ, बख्श दे। आमीन। बरकत हो भाई आपके आपके ऊपर भी सब पे। सिस्टर आपका नेट का इशू है? आई डोंट नो, सॉरी, मैं बोल रही थी मुसलसल और आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। नहीं आ रही, चले कंक्लूडिंग मार्क्स देना चाहती हैं तो आप दे दे, तो फिर हम चलते हैं, खुदा हाफिज करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम हमारी जो स्ट्रीम थी वो जो कामरान माइकल साहब की जो सेनेट में उन्होंने एक बिल जो अप्रूव करवाया है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हवाले से, उसके ऊपर हमारी स्ट्रीम थी और बहुत अच्छा इकदाम हुआ है। और जब दौरान स्पीच जब वो दे रहे थे तो एक मौलाना साहब उठे और उन्होंने कहा कि क्यों आप लड़कियों की जो एज है वो 18 साल करना चाहते हैं, जबकि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है और लड़की की एज तो 6 साल होनी चाहिए।
तो बहरहाल बड़ा अच्छी बात थी कि स्पीकर ने उनको रोका और उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात हो रही है, ना कि कोई शरिया लॉ की। और फिलहाल तो वो अप्रूव हो गया है, वो आगे जाएगा, अब देखते हैं कि फाइनल क्या उसका कंक्लूजन निकलता है। तो हमने फिर भाई ने बड़े अच्छे से और तफसील से बताया कि इस्लाम जो है ना सिर्फ वो 6 साल बल्कि वो अलाउ करता है कि वो पैदा होती हुई लिमिफान नहीं है, जैसे सूरह तलाक में भी हमें इसकी जो है गवाही मिलती है कि जिस लड़की को अगर हैज ना भी आए हो उसकी तलाक हो रही है, इसका मतलब शादी हुई उससे मुबाशरत हुई उसको उसके बाद उसकी तलाक हुई। तो जो है इस्लाम जो है वो ओपनली अलाउ करता है कि लड़की की कोई भी एज हो, वो भले ही वो मेच्योर हो या नहीं हो, उसकी शादी करना इस्लाम में जायज है। इसके अलावा जो है भाई ने बड़े अच्छे और दलाइल और इल्मी गुफ्तगू करते हुए हजूर की जो है मोहम्मद की बीवियों का जिक्र किया, बताया लौंडियों के नाम बताए, तो उनकी कुल मिला के जो हैं 21 लौंडियाँ थीं, 38 उनके गुलाम थे, और जो उनकी बीवियाँ थीं उन्होंने 15 से निकाह किया, 13 को वो घर लाए, 11 बीवियाँ एक साथ घर में रहती थीं और 9 को छोड़कर वो फौत हो गए। और ये बड़ी गौरतलब बात है कि जब वो फौत हुए तो आयशा की उम्र 18 साल थी, और उसके बाद कोई भी बीवी जो है वो दोबारा से किसी और से शादी नहीं कर सकती जब वो बेवा हो जाए, क्योंकि वो हजूर की बीवी थी। और हिब्बा के लिए जो औरतें, हिब्बा मतलब गिफ्ट, और औरतें जो हैं वो अपनी मर्जी से भी अपने आप को हजूर को गिफ्ट कर दिया करती थी, तो वो उनके साथ जो है ज़रूरत नहीं है शादी करने की, निकाह पढ़ाने की, वो वैसे ही उनके साथ मुबाशरत कर सकते हैं। तो ये सब बड़े अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है, और आप लोग जिन्होंने नहीं सुनी स्ट्रीम, आप लोग उनको दोबारा से सुन भी लीजिएगा। शुरू में हमने पाक कलाम की तिलावत की और हमने बताया कि कलाम में, पाक कलाम में क्या लिखा है जो कि इस्लाम से बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पे एक ही शादी है और कोई तलाक का हुक्म नहीं है, और जो है एक बदन है दोनों मियाँ बीवी, और ये बहुत पाक रिश्ता है। तो बाकी ये है कि आप सबको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज़ें समझें, और जो गैर कौमें हैं वो ख़ुद से मुवाजना करें इस बात का कि कहाँ पे सदाकत और सच्चाई है और कहाँ पे जो है वो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन है, मैरिटल रेप है, पेडोफाइल है उनका मोहम्मद और जो लोग ये काम करते हैं, और ये क्या दरिंदगी है इस मज़हब में इस्लाम जिसका नाम है। जी बशारा साहब प्लीज ओवर टू यू। जी शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जेडी साहब, आपके आने का भी हुसैन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सिस्टर ग्लोरी आपके सारे टाइम के लिए, मुझे पता है कि आप मसरूफ हैं और बहुत ज्यादा आपके काम का भी लोड है, लेकिन फिर भी आप खुदावंद के लिए वक्त निकालती हैं, स्ट्रीम के लिए वक्त निकालती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। खुदावंद आपके सारे घराने को बरकत दे जी। थैंक यू जी जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच एडमन, गॉड ब्लेस यू, आपने बर्दाश्त किया हमें इतने लोगों को, आज तो टेक्निकल फाइल थे, आपके नेट का भी मसला था, हमारे भी इशू थे, तो लेकिन फिर भी स्ट्रीम जो है वो होगी कामयाब। तो कल मिलते हैं जी जमाते अकबरी के। जी जरूर सर, कल इंडियन टाइम पे रात को 8:30 बजे, राइट सर? मुझे कुछ समझ